हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए सेकंड टॉपिक पर आते हैं। होप आपने फर्स्ट टॉपिक एंजॉय किया होगा। ओके, अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पर नोट्स प्लीज ध्यान रखना, साथ में रखो, ठीक है, और इसको सुनते जाओ। एक बार बेटर होगा, पहले आप एक बार नोट्स पढ़ लो, ठीक है, और फिर इसको एक बार सुन लोगे, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2, राइट। हाँ जी, दैट इज मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, इस टॉपिक में बेसिकली कवरेज क्या क्या है हमारी? फर्स्ट है TQM, राइट। सेकंड है थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट, थर्ड है सप्लाई चेन एनालिसिस, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, एंड फिफ्थ है बिजनेस, हाँ जी, एक्सेलेंस मॉडल। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं TQM। ओके, TQM का मतलब हम क्या कहते हैं? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM का मतलब हम कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट। टोटल का मतलब क्या होता है? फ्रॉम रॉ मेटेरियल टू द प्रोडक्ट, ओवरऑल। टोटल का मतलब कहते हैं ओवरऑल। ओके, यानी रॉ मेटेरियल से लेकर प्रोडक्ट तक, रॉ मेटेरियल टू प्रोडक्ट, मतलब रॉ मेटेरियल खरीदोगे तो अच्छी क्वालिटी का रॉ मेटेरियल खरीदो, स्टोर में रखोगे तो मिसहैंडलिंग ना हो, वेस्टेज ना हो, ठीक है। प्रोडक्ट बनाओगे तो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बने। ओके, तो ये कहते हैं रॉ मेटेरियल खरीदने से लेकर प्रोडक्ट बनने तक ओवरऑल क्वालिटी। ओवरऑल क्वालिटी का मतलब होता है कि डिफेक्टिव ना हो, यानी 0% डिफेक्टिव पॉलिसी। अगर डिफेक्ट आए फिर ठीक कर दें, इससे बेटर है डिफेक्ट ना आए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, अरे भाई ऐसा पढ़ाऊं कि प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, क्योंकि कस्टमर इंटॉलरेंस। आप सोचो, आप किसी कस्टमर को बोल रहे हो कि मोबाइल फोन ले जा, खराब होगा तो ले जाना, हम ठीक कर देंगे। अरे भाई ऐसा दो कि वो खराब हुई ना, तो कस्टमर कहेगा मेरे पास इतना टाइम थोड़ा है कि मैं ठीक कराने के लिए आपके पास आता रहूं। तो जीरो डिफेक्ट पॉलिसी होनी चाहिए, दैट इज क्वालिटी। इसको बोलते हैं क्वालिटी। ओके, मैनेजमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये ध्यान रखें कि ये सब काम सही सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं, यानी मैनेज करें, तो उसको बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हो गया क्लियर? यानी टोटल का मतलब ओवरऑल, फ्रॉम रॉ मेटेरियल टू प्रोडक्ट, मेटेरियल खरीदना और उसको स्टोर करना और उसको कन्वर्ट करना, ये सब चीजें ध्यान से। ओवरऑल क्वालिटी का मतलब जीरो डिफेक्टिव, यानी डिफेक्ट आए फिर ठीक करे, बेटर है डिफेक्ट ना आए। मैनेजमेंट का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करे इसको। ओके, चलिए अब आते हैं TQM क्या सिस्टम है। TQM का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना जो हमें ये इंश्योर करे, गारंटी दे कि हमारे सारे लॉसेस कम हो जाएं, खत्म हो जाएं बाय इनकरिंग सम एक्स्ट्रा कॉस्ट। एक्स्ट्रा कॉस्ट का मतलब प्रिवेंटिव कॉस्ट। और लॉसेस कौन कौन से होते हैं? स्टोर में होता है, प्रोडक्शन में होता है। तो सारे लॉसेस कम हो जाएं, यानी रिडक्शन ऑफ लॉसेस बाय इनकरिंग सम एक्स्ट्रा कॉस्ट। ओके, अब लॉसेस कौन से होते हैं मेरे पास? स्टोर में लॉस होता है मटेरियल का, कि सप्लायर मटेरियल ढंग से नहीं देता, इवेपोरेट हो जाता है, रखकर मिसहैंडलिंग हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो मेरे पास मशीनें हैं, मैं उनको टाइम से रिपेयर नहीं करवाता तो चलते चलते खराब हो जाती है, वर्कर खाली बैठा रहता है, ये लॉसेस। इस वजह से कई बार प्रोडक्ट भी खराब निकलता है। प्रोडक्ट जो खराब निकलता है आपका, वो डिफेक्टिव भी होता है, उसको बोलते हैं डाउनग्रेडेड, जो फैक्ट्री में ट्रेस कर लेते हैं, कस्टमर को देते हैं, कस्टमर कहता है कि आपने खराब दे दिया, यूज कर लेता है, वापस कर देता है आपको कि उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, तो हम उसको बदल के दे देते हैं या उसके पैसे नहीं लेते, वो फ्री रिप्लेसमेंट कहलाता है वो लॉस। तो ये सारे लॉसेस मैं क्या करता हूँ? कम करता हूँ, खत्म करता हूँ। कैसे? एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च करके। एक्स्ट्रा में क्या आता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है? हम मशीन के हर पार्ट्स की थ्योरिटिकल लाइफ खत्म होने पर उसको चेंज कर दे, इंस्टेड कि जब वो पार्ट्स खराब हो तो मशीन रुके, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। रिप्लेस ऑल पार्ट्स एट द एक्सपायरी ऑफ थ्योरिटिकल लाइफ,
इंस्टेड इट्स ब्रेक डाउन, दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। तो हमारा पर्पज ये होता है कि हम कॉस्ट का बर्डन बढ़ा दें और ये लॉसेस कम कर दें ताकि प्रोडक्ट क्वालिटेटिव बने, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। ये हमारा TQM का कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें आती हैं, सबसे पहले क्या क्या, क्वालिटी यानी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ओके। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में दो पार्ट आते हैं हमारे पास, कौन कौन से, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी। ओके, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में कौन कौन से आते हैं, इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और या दूसरा आता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस यानी अप्रेजल कॉस्ट भी कहते हैं। तो ध्यान से सुनो, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में सबसे पहले हम कहेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसमें क्या क्या आता है, एक्स्ट्रा खर्चे, एक्स्ट्रा क्योर, ताकि मतलब जो खर्चे हम करते हैं ताकि लॉसेस को अवॉइड किया जा सके। क्लियर पार्ट भी, जैसे स्टाफ को ट्रेनिंग देते हो कि भैया आप जो भी मेटल स्टोर में आए वो अच्छे तरीके से रखना, लॉसेस ना हो, तो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। सप्लायर को एक्स्ट्रा पेमेंट देते हो कि भैया ध्यान से जो मटेरियल आप पैक करके दे रहे हो, 2 रुपए फालतू ले लो और प्रॉपर पैकिंग करके दो। क्लियर पार्ट, डिजाइनर को समझाते हो कि भैया अच्छे तरह डिजाइन बनाओ ताकि बनते समय खराब ना हो। क्लियर है, डिजाइनिंग कॉस्ट, सप्लायर इवैल्यूएशन यानी सप्लायर को एक्स्ट्रा पेमेंट जो देते हो और स्टाफ को ट्रेनिंग देते हो, ये कहलाती है प्रिवेंटिव या कोई भी एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट। क्लियर है, ब्रेकडाउन अप्रेजल कॉस्ट, नॉर्मल इंस्पेक्शन, नॉर्मल इंस्पेक्शन किसका, मटेरियल का, लेबर का, मशीन का, फैक्ट्री का, जो नॉर्मल इंस्पेक्शन होता है उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ठीक है। इंटरनल फेलियर, इंटरनल का मतलब फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर कौन सा होगा, डिफेक्टिव यूनिट, डाउनग्रेडेड यूनिट, स्क्रैप यूनिट, राइट, रिवर्क, ये सारा हमारा कहलाता है इंटरनल। लॉस ऑफ मटेरियल इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक्सटर्नल जो कस्टमर को भेजा वापस आया यानी स्पेसिफिकेशन लॉस, फ्री रिप्लेसमेंट, प्रोडक्ट लैबडी क्लेम, कस्टमर कहता है खराब गुड्स भेज रहे हो, रास्ते का खर्चा दे दो, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लैबडी क्लेम। तो ये वारंटी क्लेम, राइट, रिपेयर्स यहां आता है, रिवर्क यहां आता है रिपेयर्स, ठीक है, वारंटी क्लेम्स, यानी जो भी कस्टमर को सामान भेजा फिर वापस आया, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फेलियर। तो ये चारों हमारी कॉस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमारे पास आता है TQM के लिए 6C, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट है आपका 6C ऑफ TQM, 6C ऑफ TQM, बहुत ध्यान सुनना, क्या कहना चाहते हैं इसमें, TQM को सफल बनाने के लिए हमारे को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, राइट। तो वो 6C में बताते हैं, इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ TQM वी शुड फॉलो द फॉलोइंग पॉइंट्स वी शुड कंसिडर। पहला कमिटमेंट, पहला कमिटमेंट, दूसरा कल्चर, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, कस्टमर फोकस, एंड कंट्रोल, ओके, कस्टमर फोकस एंड कॉपरेशन, राइट। चलिए देखिए सबसे पहले कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, कमिटमेंट टॉप मैनेजमेंट से आती है, ठीक है, कि टॉप मैनेजमेंट इस बात के लिए कमिट हो कि जो भी हमें क्वालिटी चेंज करनी है, क्वालिटी मेंटेन करनी है, हम उसके लिए तैयार हैं। भाई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए हाँ कर दी, अब टॉप मैनेजमेंट पार्ट्स रिप्लेस ही नहीं करे तो कोई फायदा नहीं है, यानी कमिटमेंट टॉप मैनेजमेंट से आनी चाहिए कि भाई वो इस बात के लिए तैयार हैं कि वो सारे पार्ट्स टाइम से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। मतलब एक तरीके से हम ये कहते हैं कि हर एम्प्लॉई के लिए जॉब का नॉर्मल पार्ट बन जाइए, मतलब इस तरह से आप डेवलप करो कि हर एम्प्लॉई के लिए एक जॉब का नॉर्मल पार्ट बन जाए, ठीक है। क्वालिटी डेलीगेट करने से नहीं आती, क्या आप डेलीगेट कर दो क्वालिटी, भी क्वालिटी ठीक करो,
क्वालिटी के लिए क्या होता है, क्लियर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक्सपेक्टेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए कि हम उनको ट्रेनिंग दे, हम उनसे सपोर्ट मांगे। क्लियर? तो ये कमिटमेंट होनी चाहिए, टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट होनी चाहिए और हर एम्प्लॉय की कमिटमेंट होनी चाहिए। टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट क्या होनी चाहिए कि वो सारे पार्ट्स को रिप्लेस करने के लिए तैयार हो, हर काम को करने के लिए तैयार हो। हर एम्प्लॉय की कमिटमेंट हो कि वो जो भी उनको काम दिया जाए, जो भी उनसे एक्सपेक्टेशन की जाए, वो उसके लिए तैयार हो, वो हर कसौटी पर खड़े होते हैं। राइट बे? कल्चर, कल्चर का मतलब क्या है, ऐसा कल्चर डेवलप करें कि भाई एक नेगेटिव प्रिसेप्शन हटाएं। जैसे अभी एक मीटिंग कर रहे हैं तो भाई ये लॉस कम करो, तो एक एम्प्लॉय खड़े होकर बोल दे कि सर ये नॉर्मल लॉस है, नहीं हो सकता कम। तो ये नेगेटिव प्रिसेप्शन को हटाना, यानी कि ऐसा कल्चर डेवलप करना, ये हो सकता है। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वो हमें कल्चर डेवलप करना, यानी नेगेटिव प्रिसेप्शन को हटाना, यानी एनकरेज करना हर व्यक्ति को, हर इंडिविजुअल को टू कंट्रीब्यूट इन द कंपनी। ठीक है, कॉन्टिन्यूस, लगातार। अब ये कोई एक ऐसा नहीं है कि क्वालिटी प्रोग्राम है, एक बार बना दिया चलो भाई अब जिंदगी में चलता रहेगा, एक बार हमने प्रोडक्ट बना दिया अब ये होल लाइफ चलता रहेगा, इट्स ए नेवर एंडिंग जॉब। तो क्वालिटी शुड बी ए कॉन्टिन्यूस प्रोग्राम, इट्स नॉट ए वन टाइम प्रोग्राम, नेवर एंडिंग जॉब है। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती, देयर विल ऑलवेज बी ए रूम फॉर इंप्रूवमेंट। ओके, और कॉपरेशन, यानी हर एम्प्लॉय से एक्स्ट्रा वर्ड होना चाहिए, वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। हर एम्प्लॉय का मतलब हर एम्प्लॉय को क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्ड होना चाहिए, वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। हर एम्प्लॉय कॉपरेट करे, यानी टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट शुड बी ए पैरामाउंट, पैरामाउंट अलग दर्जे का होना चाहिए, उनको हाई लेवल का कॉपरेशन होना चाहिए। ठीक है, कस्टमर फोकस, यानी जो क्वालिटी हो, मैनेजमेंट शुड फोकस क्वालिटी कंट्रोल फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। क्वालिटी कंट्रोल कस्टमर के हिसाब से होनी चाहिए, यानी कस्टमर जैसा मांग रहा है। कस्टमर को होना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बाहर वाले जो कस्टमर, आउटसाइड, इंटरनल हमारे वेंडर हो गए, हमारे एम्प्लॉयज हो गए। ठीक है, कंट्रोल, कोई भी प्रोसीजर बेकार है जब तक उसको डॉक्यूमेंट प्रोसीजर को कंट्रोल ना किया जाए, यानी कोई भी आप सिस्टम बनाओगे वो सारा बेकार हो जाएगा जब तक वो डॉक्यूमेंटेशन ना हो, जब तक वो प्रॉपर प्रोसीजर ना हो, जब तक वो हमारा इंप्लीमेंट ना हो, कंट्रोल ना हो। कई बार कस्टमर क्या होते हैं, नहीं कई बार एम्प्लॉयज क्या होते हैं, कस्टमर को अच्छे से अच्छी सर्विस देने के लिए हम कंट्रोल मैकेनिज्म को भूल जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। यानी प्रोसीजर तब तक कंट्रोल नहीं किया जा सकता जब तक उसमें डेफिशिएंसी रहेगी, यानी जो भी प्रोसीजर आपका है उसको कंट्रोल करने के लिए ये हमारे लिए जरूरी है कि हम उसको कंट्रोल करें। यानी अगर कोई प्रोसीजर है उसको तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक उसकी डेफिशिएंसी करेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कंट्रोल हमारे लिए अति आवश्यक है। हो गया क्लियर? चलिए एक बार फटाफट बता दूं, कमिटमेंट, कमिटमेंट टॉप मैनेजमेंट से आता है, लो और हर एम्प्लॉयज में होना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट इस बात के लिए कमिट करें कि भाई हाँ हम वादा करते हैं, हम अपने दिमाग में रखते हैं कि ये काम मुझे करना ही है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉलो करना ही है। लो मैनेजमेंट यानी लोअर एम्प्लॉयज इस बात के लिए कमिट हो कि जो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो हम करें। तो इस क्वालिटी डेलीगेशन से नहीं आती है केवल कि आप डेलीगेट कर दो, हमें उनको क्लियर कट बताना होता है। ठीक है, सपोर्ट देना होता है। कल्चर मतलब एक ऐसा कल्चर डेवलप करो ताकि नेगेटिव रिसेप्शन हटे, प्रमोट करो, इनोवेट करो कि ताकि वो कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, कॉन्टिन्यूस, ये एक ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि वन टाइम, एक बार बना दिया बस वो चलती रहे, इट्स नॉट ए वन टाइम प्रोग्राम, इट्स ए नेवर एंडिंग जॉब। क्योंकि हम कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती, देयर विल ऑलवेज बी ए रूम फॉर इंप्रूवमेंट। ठीक है, कॉपरेशन, कॉपरेशन हमेशा अलग दर्जे का होना चाहिए, पैरामाउंट, यानी टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट शुड बी ए पैरामाउंट, वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, हर एम्प्लॉयज कॉपरेट करे। कॉन्टिन्यूस, कस्टमर फोकस, यानी क्वालिटी शुड बी कस्टमर फोकस्ड, यानी कस्टमर दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल होते हैं जैसे वेंडर हो गए और हमारे एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, कंट्रोल, जो भी प्रोसीजर आप बना रहे हो वो तभी सफल इंप्लीमेंट होगा जब वो डॉक्यूमेंटेड होगा, जब वो कंट्रोल होगा। ठीक है, प्रोसीजर को तब तक आप कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक उसमें एफिशिएंसी करेक्ट ना हो। क्लियर पॉइंट? तो इट शुड बी कंट्रोल। आपने बना दिया कंट्रोल नहीं है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होता, वेग हो जाएगा। क्लियर के पॉइंट बेटा? चलिए चलिए बेटा, नेक्स्ट है 14, डेमिंग प्रिंसिपल। ओके, देखो जो मिस्टर डेमिंग थे, डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग, ये फादर ऑफ टीपीएम कहलाते हैं। इन्होंने ये कहा था कि 85% प्रॉब्लम तो जो हमारे पास आती है वो सिस्टम की वजह से आती है, प्रोसीजर की वजह से आती है, केवल 15% प्रॉब्लम आती है
एम्प्लॉय की वजह से। तो कहते हैं अगर मुझे TQM एक अप टू द मार्क ले जाना है तो जो मैं आपको बातें बता रहा हूं इनको फॉलो करो, ठीक है। इन्होंने तीन पार्ट्स में मैं इसको समझाता हूं। एक आपके पास है इनपुट मतलब स्टोर, ओके। दूसरा पार्ट हमारे पास आता है प्रोडक्शन यानी एम्प्लॉयज लेबर रिसोर्सेज, प्रोडक्शन कह सकते हैं, ओके, यानी लेबर एम्प्लॉयज। तीसरा पार्ट हमारे पास आता है इंस्पेक्शन यानी फिनिश गुड्स इंस्पेक्शन। देखो स्टोर में सबसे पहला क्या बताया है कि भी आप एक वेंडर को पकड़ लो, आप सामान खरीद रहे हो 50 वेंडर से, अगर खराब होगा किसकी गलती ठहराओगी तो समस्या होगी, तो मूव टुवर्ड्स सिंगल सप्लायर, ठीक है। तो यहां कहता है मूव टुवर्ड्स सिंगल सप्लायर, ओके, क्योंकि डिफरेंट सप्लायर से अगर सामान खरीदोगे तो वेरिएशन ज्यादा आएगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाएगी, क्लियर पार्ट। तो मूव टुवर्ड्स सिंगल सप्लायर, प्रोडक्ट प्रोडक्शन लेबर। अब लेबर में ध्यान से सुनना, सबसे पहले कहते हैं हम ट्रेनिंग दो, सबसे पहले क्या कहते हैं उनको ट्रेनिंग दो, राइट, क्योंकि अनट्रेन्ड एम्प्लॉई सिमिलर वर्क नहीं कर पाएगा। अगर आप वर्कर को ट्रेनिंग दोगे आप तो क्या होगा, वेरिएशन नहीं होगा, मतलब अनट्रेन्ड विल नॉट डू ऑल द वर्क इन द सेम वे विच यू वांट। तो ट्रेनिंग दो आप उनको, टेक्निकल ट्रेनिंग दो, एजुकेशन दो, ध्यान से समझना दोनों फर्क है, एजुकेट करो मतलब उनको समझदार बनाओ कि आपकी बात समझ सके, ठीक है, सेल्फ इंप्रूवमेंट आ सके उनमें, राइट। ये टेक्निकल है और ये उनके अंदर मतलब आपकी बात को समझ सके, एजुकेट करो, ठीक है, उनके डर हटाओ, ड्राइव आउट फियर, उनके दिमाग से डर हटाओ कि भाई आप जो काम कर रहे हो वो बिल्कुल निडर होके करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलत भी हो जाए तो उनके दिमाग से डर वाली भावना फोबिया हटा दो, ठीक है। इंस्टीट्यूट लीडरशिप, लीडरशिप क्रिएट करो, सुपरविजन नहीं होना चाहिए। सर क्या फर्क है, सुपरविजन का मतलब होता है पुलिस, पुलिस का काम मत करो, जैसे भाई पुलिस कहते हैं आप गलत काम करो फिर हम आपको दंड देंगे, आप वेट करते हैं गलत काम करने का फिर हम आपको पनिशमेंट करेंगे, वो नहीं, आप उनमें लीडरशिप की भावना क्रिएट करो कि आप काम करो, ठीक है। प्राइड, परमिट प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, मतलब उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करो, उनमें स्वाभिमान डेवलप करो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आप डेवलप करो, ठीक है। बेफालतू के जो भाषणबाजी है स्लोगन्स वो हटाओ, एक्सट्रॉशन, ठीक है, एक्सॉर्टेशन मतलब भाषणबाजी हटाओ, मतलब उनको भाषण बद दो कि ये करो ट्रेडिशनली ऐसा नहीं वैसा करो, वहां मत जाओ, ये मत करो, यहां मत बैठो, मेटेरियल यहां से वहां उठाओ, वो मत करो उनको, ठीक है। अगला है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक एम्प्लॉय को एक जगह मत रखो, हर एम्प्लॉय को चेंज करते रहो, नहीं तो वो मोनोटोनस वर्क हो जाएगा, वो बोर हो जाएगा, यानी वर्कर को उसकी सुविधा अनुसार से चेंज करते रहो, नहीं तो मोनोटोनस हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टेंसी, कॉन्स्टेंसी का मतलब भक्ति, मतलब उनके अंदर भक्ति की भावना क्रिएट करो, दे शुड वर्क बाय हार्ट नॉट बाय टाइम, ऐसा आप उनके अंदर भावना क्रिएट करो कि वो भक्त हो जाएं आपके, ठीक है। दे शुड डू द वर्क नॉट बाय टाइम बट बाय हार्ट, ठीक है। बैरियर हटाओ आपस में, जो भी आप मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट के बैरियर्स होते हैं वो हटा दो, जो बैरियर्स हैं वो हटाओ ताकि वो आपस में बेझिझक अपने आइडिया को शेयर कर सके, ठीक है। टारगेट हटाओ, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, कि ये टारगेट है मतलब न्यूमेरिकली, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये हो गया एम्प्लॉयज के बारे में। अगला है डिपेंड, मतलब सीज डिपेंडेंसी ऑन इंस्पेक्शन, मतलब ऐसा करो जीरो डिफेक्ट पॉलिसी, इंस्पेक्शन पर डिपेंडेंसी ना रहे, आप जो बनाओ चेक करने की जरूरत ही ना रहे, आप पेपर दे रहे हो रिजल्ट मत देखो पास है, ऐसा करो उनको, ठीक है। कॉन्स्टेंट और फॉरएवर वेरिएशन, मतलब वेस्टेज कम करो, राइट, वेस्टेज कम करो और नई फिलॉसफी लेकर आओ, क्लियर पार्ट पे। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज करा दूं मैं आपको, देखिए 14 डेमिंग थे तीन पार्ट में, स्टोर प्रोडक्शन और इंस्पेक्शन, मतलब एक जगह से मेटेरियल खरीदो, कई सारे सप्लायर से खरीदोगे अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्रोडक्शन यानी लेबर, लेबर का मतलब आप सबसे पहले उनको ट्रेनिंग दो टेक्निकल, क्योंकि अगर अनट्रेन्ड एम्प्लॉय होंगे तो वो सिमिलर वर्क नहीं कर पाएंगे, एक जैसा वर्क करना है तो आप उनको ट्रेनिंग दो कि आपको पेंट ऐसे करना है, आपको इस तरह से मेटेरियल प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अब उनको एजुकेट दो, एजुकेशन दो यानी एजुकेशन दो ताकि वो समझ सके आपकी बात, समझदार बन सके, ठीक है। फियर, डर, उनके उनके मन से डर हटाओ कि भाई हमारे पास सेफ्टी मेजर्स आ रहे हैं,
आप डरो मत कोई भी काम को करने के लिए। लीडरशिप बनाओ, कोई सुपरविजन मत करो, मतलब ये नहीं कि आप गलती करो फिर हम आपको दंड देंगे, ऐसा मत करो, आप उनके कोच बनो। स्वाभिमान की भावना उनके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। स्लोगन्स मतलब आप उनके अंदर ट्रेडिशनली आप उनको भाषणबाजी मत दो कि भाई ये मत करो वो मत करो, ठीक है। मोनोटोनस वर्क नहीं होना चाहिए, एक काम यही करता जा रहा है, हर व्यक्ति को बदलते रहो ताकि वो उसमें इंटरेस्ट आता रहे काम में, ठीक है। कौन सा भक्ति, उसके अंदर भक्त अपना ऐसा हो कि वो आपका भक्त बन जाए। दे शुड डू द वर्क बाई हार्ट नॉट बाई टाइम। बैरियर खत्म होने चाहिए, वो बेझिझक आपसे अपनी बात कह सके, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। टारगेट हटाओ, ये कि भी आपको इतना टारगेट पूरा करना है, ओके। डिपेंडेंसी हटाओ, इंस्पेक्शन ऐसा नहीं होना कि इंस्पेक्शन करें डिफेक्टिव हटाएं, ठीक है। वेस्टेज कम करो और इनोवेशन लेकर आओ। तो दीज आर द 14 पॉइंट्स ऑफ 10। बिल्कुल क्लियर है। चले बेटा आगे चले। देखो नेक्स्ट है बिजनेस एक्सलेंस मॉडल, ठीक है। इस पर हमारी केस स्टडीज है, हमारे वॉल्यूम 1 में 41, ठीक है। देखो क्या कहता है ये, एक बार पहले केस स्टडीज पढ़ लें फिर इसका कॉन्सेप्ट हम इसी के साथ साथ करते हैं। ये कहता है एज ए गेस्ट लेक्चरर एज ए सिंपोजियम फॉर बिजनेस एक्सलेंस वेयर यू आर गिविंग ए लेक्चर ऑन सस्टेनिंग बिजनेस एक्सलेंस ए मैन्युफैक्चरर ऑफ फैशन क्लोथिंग लाइन इज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट एट द सिंपोजियम ही हैज द फॉलोइंग क्वेरी। मतलब एक मैन्युफैक्चरर है कौन, फैशन क्लोथिंग का। वी आर एन अपैरल कंपनी that manufacture and sells our fashion clothing and accessories directly through 30 stores spread across the India. मतलब हमारे पास क्या करना चाहता है वो, fashion clothing company है और उसके 30 store हैं all over India. Shortly we are planning to establish similar outlet overseas. अब हम चाहते हैं कि इंडिया के बाहर भी हम अपनी shops खोलें. Our business is under constant change due to changing customer terms. क्योंकि जो हमारा बिजनेस है वो चेंज होता जा रहा है कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से। एट सेम टाइम वी आर लार्जेस्ट कंपनी इन अवर इंडस्ट्री सेगमेंट इन इंडिया। इंडिया में तो हम बड़ी कंपनी में से माने जाते हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट। मार्केट का शेयर भी हमारा अच्छा है और प्रॉफिट भी अच्छा है। वी हैव सेटिस्फाइड बेस ऑफ कस्टमर हु आर लॉयल टू अवर ब्रांड। हमारे पास बहुत अच्छे कस्टमर है जो हमारे प्रति लॉयल है। लॉयल के मतलब समझते हो ना कि जो हमारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर ले। मतलब कोई नया प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो उनको विश्वास है कि वो प्रोडक्ट अच्छा होगा तो वो लॉयल कस्टमर कहलाते हैं। शेयर होल्डर्स आर आल्सो सेटिस्फाइड स्टेक होल्डर ड्यू टू गुड रिटर्न प्रोवाइडेड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो भी अच्छी तरह सेटिस्फाइड है क्योंकि हम उनको अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। व्हाट वुड बी द रेलेवेंस ऑफ बिजनेस एक्सलेंस मॉडल टू अवर कंपनी। अब इस कंपनी के बारे में बताओ कि बिजनेस एक्सलेंस मॉडल की क्या रेलेवेंस है, ठीक है। हमें एक फ्रेमवर्क अप्रोप्रिएट करना है टू रिस्पॉन्स टू दिस क्वेरी। ये चीज है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एक्सलेंस। तो सबसे पहले आप बताओगे बिजनेस एक्सलेंस मॉडल क्या है, फिर बताओगे टूल्स अवेलेबल क्या है उसके, और फंडामेंटल्स मॉडल फंडामेंटल्स क्या और रिलेशनशिप क्या है दोनों में, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले तो बिजनेस एक्सलेंस मॉडल को बताना है, ठीक है। टूल्स का मतलब कौन कौन से हैं, ठीक है। जो जैसे बताया था आपको यूरोपियन फाउंडेशन, बल्गेरिया, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फंडामेंटल मॉडल यानी प्रिंसिपल्स क्या है और उनके रिलेशन का मतलब इनेबलर्स और रिजल्ट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये समझा दूं कि बिजनेस एक्सलेंस मॉडल होता क्या है, ठीक है। देखो बिजनेस एक्सलेंस मॉडल जब हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास वर्ड आता है एक्सलेंस, ठीक है। सबसे पहले मुझे समझना है एक्सलेंस कैसे कहते हैं। एक्सलेंस का मतलब क्या होता है कि कंपनी हर एरिया में बेहतर हो। जैसे हम किसी के बारे में सुनते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, दूसरा भी कहता है ये प्रोडक्ट अच्छा है, तीसरा भी, इसका मतलब वो कंपनी एक्सेलेंट है। मैं बात करूं जैसे मान लो जियो कंपनी है, जियो का सिम है, तो वो एक्सेलेंस कहोगे आप। क्यों कहोगे एक्सेलेंस? देखो सबसे पहली बात, आपको जब भी सिम खरीदनी है कोई टाइम नहीं लगता, इजिली अवेलेबल हो जाती है, नेटवर्क उनका अच्छा है, प्राइस भी अट्रैक्टिव है, कोई खराब हो जाता है या खो जाती है तो बहुत जल्दी रिप्लेसमेंट हो जाती है, और उसमें जो काम करने वाले एम्प्लॉइज है दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड। इसका मतलब शेयर होल्डर भी सेटिस्फाइड है क्योंकि उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, तो हर एरिया में वो बेहतर है, उसको बोलते हैं हम एक्सेलेंस। क्लियर है बात? तो एक्सेलेंस का मतलब हो गया हर एरिया में बेहतर, होलिस्टिक व्यू कहते हैं इसको, ठीक है। अब क्या कहते हैं एक्सेलेंस को डिफाइन करते हैं, ये एक फिलॉसफी है जो मैनेजमेंट को डेवलप करती है, स्ट्रेंथ देती है, यानी परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव
कर सकते हैं इसके द्वारा, स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स, कस्टमर, एम्प्लॉय, सोसाइटी। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? केवल शेयर होल्डर्स नहीं, कस्टमर भी होते हैं, सोसाइटी भी, एम्प्लॉयज भी और शेयर होल्डर्स भी। तो कस्टमर क्या चाहते हैं? दो चीजें, क्वालिटी और ऑन टाइम डिलीवरी। क्लियर पार्ट? कस्टमर हमारे पैरामाउंट नीड होते हैं, पैरामाउंट का मतलब आला दर्जे के। ठीक है, शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं? हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉय क्या चाहते हैं? अच्छी सैलरी और उनकी नॉलेज बढ़े, ग्रो देयर नॉलेज, एक्सपीरियंस। ठीक है, वो क्या चाहते हैं? कि अपना इंप्रूवमेंट हो कैरियर ग्रोथ में। क्लियर हो गया पार्ट? सोसाइटी क्या चाहती है? कंपनी टू ऑपरेट एथिकली ऑनर्स, ओवरऑल बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। क्लियर है पार्ट इतना? तो यहां तक मैंने आपको ये बताया है कि स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं हमारे? कस्टमर, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉय, सोसाइटी। शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं? हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कस्टमर क्या चाहते हैं? ऑन टाइम डिलीवरी और क्वालिटी, यानी वो हमारे लिए पैरामाउंट नीड होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज हमारे लिए क्या चाहते हैं? वो क्या चाहते हैं? अच्छी सैलरी मिले, उनकी ग्रोथ हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, राइट, ताकि वो अपनी कैरियर ग्रोथ को इंप्रूव कर सके। सोसाइटी क्या चाहती है? टू ऑपरेट एथिकली, ताकि वो ओवरऑल बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी हो। ठीक बात होगी। अब आगे चलते हैं। नॉर्मली अगर हम मतलब इसको क्रिएट कैसे किया गया, मतलब क्या है ये, तो देखो हम ये बात करते हैं। नॉर्मली बिजनेस चैलेंजिंग सर्कमस्टांसिस में काम करता है। ठीक है, जैसे पहले लैंडलाइन फोन था, वो रिप्लेस हो गया मोबाइल फोन। पहले स्कूटर्स थे, वो रिप्लेस हो गए बाइक की। टीवी प्रोग्राम थे, अब वो पहले टीवी में जैसे संडे को एक पिक्चर आती थी, ठीक है, अब वो वॉच करते हैं हम इंटरनेट पर, कभी भी मोबाइल फोन पर वॉच कर लेते हैं। और मोबाइल फोन की वजह से ना केवल टेलीकॉम इंडस्ट्री बेटर हुई है, बट बैंकिंग, ई कॉमर्स, इनमें भी डेवलपमेंट आ गया। इन सबको मैनेज और हैंडल करने के लिए कंपनी अब एक ऑपरेशन पर फोकस नहीं कर सकती, कंपनी को ओवरऑल, कंपनी को सभी एरिया में फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, द कंपनी शुड अचीव एक्सेलेंस इन ऑल एस्पेक्ट इन इट्स ऑपरेशन, दिस इज कॉल्ड बिजनेस एक्सेलेंस। क्योंकि समय चेंज होता जा रहा है, मतलब चेंजेस आते जा रहे हैं, चैलेंजेस आते जा रहे हैं, थ्रेट आते जा रहे हैं। ठीक है, तो उन थ्रेट को, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए कंपनी को केवल एक एरिया में फोकस नहीं करना पड़ेगा, उसको हर एरिया में फोकस करना पड़ेगा, तब जाके हम कहेंगे दे आर एक्सेलेंस। क्लियर? जैसे हम बात करें, पहले हम फेस टू फेस पढ़ाते थे, ठीक है, उसमें क्या था? सिर्फ बुक्स दो और पढ़ाओ और जरा एक स्टाफ रखो, नथिंग एल्स। ठीक है, क्वालिटी ओनली मैटर करता था। अब क्या है, जैसे उसके बाद सैटेलाइट आई, तो उसमें बिजनेस पार्टनर का रोल भी आ गया, चेंजेस हुए ना। फिर उसके बाद क्या आ गया, जैसे पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव आ गई, तो उसमें सॉफ्टवेयर का रोल भी आ गया, सोशल मीडिया का रोल भी आ गया। तो इसका मतलब दीज आर द चेंजेस दैट इन दैट द बिजनेस हैव टू फॉलो, बिजनेस हैव टू फेस। ओके, अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा, राइट, क्लियर हो गया कि क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल की, क्या कहते हैं। अब टूल्स कौन कौन से अवेलेबल है वो समझ लेते हैं हम। टूल्स हमारे पास है एक EFQM, यूरोपियन फाउंडेशन क्वालिटी मैनेजमेंट, बालग्रिज क्रिटेरिया, सिंगापुर बिजनेस एक्सेलेंस फ्रेमवर्क, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये हमारे टूल्स हैं। पर इनमें सबसे फेमस, जो सबसे कॉमन एक्सेप्टेड है, वो EFQM है। वो क्या है? EFQM, यूरोपियन फाउंडेशन क्वालिटी मैनेजमेंट। क्लियर पार्ट? तो इसको ये सबसे इंटरलिंक करता है। ओके, इसको फॉलो करने के लिए हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं। देयर आर सम प्रिंसिपल व्हिच वी हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल। ठीक है, ये अब कैसे हम ध्यान में रखें, कैसे मैं मतलब कैसे याद रखूं, तो मैं इसके लिए आपको एक पार्ट बताता हूं। ठीक है, ये तीन चीजें हम कहते हैं, ध्यान से सुनना। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, ताकि याद रहे, ताकि ध्यान रहे, इजी रहे। एक होता है मेरा कस्टमर, राइट, एक होता है बिजनेस में रिसोर्सेस यानी प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। इसको ऐसे ध्यान में रखो, बिजनेस के तीन पार्ट होते हैं, कस्टमर, अपने प्रोडक्शन मतलब रिसोर्सेज और मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट की बात जहां तक हम करें, तो मैनेजमेंट क्या क्या चाहता है, राइट, मैनेजमेंट मतलब क्या क्या डिमांड करता है, मतलब मैनेजमेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। मैनेजमेंट का विजन अच्छा होना चाहिए, ये पहले एक शॉर्ट में समझ लो ताकि लर्न रहे। मैनेजमेंट का विजन अच्छा होना चाहिए, राइट, एबिलिटी, एजिलिटी, राइट, इनोवेशन होनी चाहिए, हमेशा नए नए विचार आने चाहिए, राइट, और कौन, रिजल्ट्स कंट्रोल हो, एंड देन एनवायरमेंट यानी सोसाइटी, सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये मैनेजमेंट के एंगल से होता है कि मैनेजमेंट का थॉट विजन अच्छा हो, एजिलिटी हो,
इनोवेशन हो, मतलब वो हमेशा नए नए पॉइंट सोचते रहें और सही परिणाम लगातार दें और सोसाइटी के प्रति सही रिस्पॉन्सिबल हो। रिसोर्सेज में क्या आता है? कैपेबिलिटी, राइट, और पीपल्स, राइट, कस्टमर, राइट। ये हमारे पास कितने हो गए? 8। क्लियर पार्ट भाई, ये हमारे क्या है? बेसिक रूल्स है। ओके, चलिए देखो इसको ऐसे ध्यान में रखो, ठीक है, नंबर वाइज अलग है। फर्स्ट कस्टमर, कस्टमर के लिए क्या कहते हैं हम? एडिंग वैल्यू टू द कस्टमर। फर्स्ट है कस्टमर, इसका मतलब है एडिंग वैल्यू टू द कस्टमर। ओके, इसका मतलब क्या कहते हैं? सबसे पहले मतलब हमारा क्या पर्पस होता है बिजनेस एक्सलेंस मॉडल को सफल बनाने के लिए? पहला सिद्धांत क्या है? कस्टमर की जरूरत को पहचानो, तभी हम उसकी वैल्यू एडिशन दे पाएंगे। कस्टमर क्या चाहता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम उसको सेटिस्फाई करें। ठीक है, कस्टमर हमारे लिए क्या चाहता है हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, तब हम ये एक्सपेक्ट उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस में आजकल कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन है। क्लियर पार्ट, तो हम जैसे इस केस में देखते हैं कि अप्रैल कंपनी है, तो उसको ये देखना है कि वो वेस्टर्न अप्रैल मार्केट में जाए, इंडियन अप्रैल मार्केट में जाए, मेन के लिए, वुमेन के लिए या चिल्ड्रन के लिए मार्केट शुरू करे, उस हिसाब से अपने स्ट्रक्चर को ऑपरेट करना पड़ेगा ताकि कस्टमर को वैल्यू एडिट दे सके इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, सपोर्ट एंड अवेलेबिलिटी। क्लियर पार्ट भी, तो फर्स्ट हो गया हमारा एडिड वैल्यू टू द कस्टमर। क्लियर है, दोबारा बताता हूँ, कस्टमर की जरूरत को पहचानो, अपने रिसोर्स उसके हिसाब से डालो ताकि हम उसकी नीड को सेटिस्फाई कर पाए, राइट। जैसे इस केस के अंदर अप्रैल कंपनी इंडियन मार्केट को देखे, वेस्टर्न मार्केट को देखे, मेन की रिक्वायरमेंट को देखे, वुमेन चिल्ड्रन अप्रैल को देखे, और फिर उसी हिसाब से देखे कि कहां पोटेंशियल कस्टमर ज्यादा है, फिर अपने स्ट्रक्चर को ऑपरेट करें उस हिसाब से, तभी हम कस्टमर की वैल्यू को ऐड दे पाएंगे। किसमें? उसकी, उसको क्वालिटी दे पाएंगे, उसको सपोर्ट दे पाएंगे और उसके लिए हर टाइम अवेलेबल हो पाएंगे। चलिए पार्ट बी, तो ये कहलाया हमारा एडिंग वैल्यू टू द कस्टमर, ये फर्स्ट कहलाया। ठीक है बेटा, अब सेकंड मैनेजमेंट में आ रहा है सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का मतलब क्या कह रहे हैं? क्रिएटिंग सस्टेनेबल फ्यूचर। सोसाइटी का मतलब क्रिएटिंग सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। तो इसका मतलब यह है कि तीन चीजें बताई थी ट्रिपल बॉटम लाइन में, सोशल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस बात को इंश्योर करने में कि हमारा बिजनेस सस्टेन करेगा फ्यूचर में, राइट भी? तो अगर हमारा बिजनेस फ्यूचर में सस्टेन करेगा तो ये किस बात पर निर्भर करता है कि हम सोसाइटी के लिए कितने प्रयत्नशील हैं, यानी हमें जो भी पॉजिटिव इंपैक्ट है सराउंडिंग पर उसको बढ़ाना है, नेगेटिव इंपैक्ट को हटाना है। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटी को बढ़ाना है, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ सोसाइटी को कम करना है, राइट। जैसे मान लें कि लेदर बना रहे हैं, तो लेदर एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, उसमें बहुत सारे एनिमल्स की स्किन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये एडवर्स इंपैक्ट करता है एनवायरमेंट पर। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम इन चीजों का इस्तेमाल करें। जिस वेंडर से सामान खरीद रहे हैं हम, अगर वो चाइल्ड लेबर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वहां से सामान ना खरीदें ताकि हम सोसाइटी पर एडवर्स इफेक्ट ना दें। ठीक है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया कि वो सोसाइटी के लिए कितने कार्यरत हैं। क्लियर पॉइंट, तो फर्स्ट हो गया एडिंग वैल्यू टू द कस्टमर, दूसरा हो गया क्रिएटिंग सस्टेनेबल फ्यूचर, राइट भाई। तीसरे में आता है यहाँ पर रिसोर्स में कैपेबिलिटीज, ये जरूरी नहीं है इसी किसी ऑर्डर में रखो, तो जैसे आंसर दिया हुआ उस हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, आप ऐसे भी दे सकते हो। कैपेबिलिटीज, राइट भाई, डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज, मतलब हम कितने कैपेबल हैं ताकि हम दूसरे से अलग हो सके, कितने हम कैपेबल हैं ताकि हम ये कह सकें कि हम दूसरे को अनसीट कर सके, अनसीट कर दूसरे को उखाड़ सके, मतलब हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सके दूसरे से, तभी तो हमें कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। ठीक है, तो ये कहता था डेवलपिंग ऑफ कैपेबिलिटीज, मतलब अगर जैसे इस कंपनी में बात करें कि भाई इनके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इन्वेंट्री लेवल जैसे कम आए या खत्म होने लगे वैसे इनको पता लग जाए और वेंडर को ऑर्डर दे दे ताकि कभी भी स्टॉक आउट की पोजिशन ना हो, तो ये दूसरे से बेहतर दिखाएगा आपको। ठीक है, जैसे कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास, तो हम कहते हैं न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो कहते हैं हमारे पास इतने रिसोर्स होने चाहिए कि हम दूसरे से बेहतर कह पाए अपने आप को। ठीक है, ये हो गया कैपेबिलिटीज, राइट। अब पीपल्स, पीपल्स का मतलब हम कहते हैं सक्सीडिंग थ्रू टैलेंट पीपल, सक्सीडिंग थ्रू टैलेंट पीपल, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन तभी अच्छी हो सकती है जब उसके एम्प्लॉय अच्छे हो, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय अच्छे होंगे तो टीम वर्क के हिसाब से काम करेंगे, उनको हमें रिवार्ड देना चाहिए, हमें बोनस देना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, तभी हम उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाएंगे, राइट भाई, तभी हम उनके टैलेंट को बाहर ला पाएंगे
तभी वो ये कहेंगे कि वो एम्प्लॉई क्या करते हैं, डू देयर वर्क बाय हर्ट नॉट बाय टाइम। ओके, तो ये हो गया पीपल्स, इतना रिवाइज कराऊं। कस्टमर, एडिंग वैल्यू टू द कस्टमर, मतलब हम कस्टमर की जरूरत को पहचाने, उनको समझे, अपने रिसोर्स को उस हिसाब से डेवलप करें। ठीक है, जैसे इस कंपनी के अंदर क्या कह रहे हैं कि कंपनी अपैरल कंपनी है, वेस्टर्न इंडियन मैन वुमेन चिल्ड्रन के हिसाब से देखें कि कौन सी मार्केट को कैटर करना है, कहां पर पोटेंशियलिटी ज्यादा है, अपने ऑपरेशन को उस हिसाब से स्ट्रक्चर करें, तभी हम कस्टमर को सपोर्ट दे पाएंगे, उसको अवेलेबल कर पाएंगे, उसको क्वालिटी दे पाएंगे। राइट, सोसाइटी का मतलब है कि हम सस्टेन कितना कर पाते हैं, क्रिएट सस्टेनेबल फ्यूचर, कि कोई भी कंपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी सस्टेन कर पाएगी जब वो सोसाइटी के लिए कार्यरत होगी। मतलब ट्रिपल बॉटम लाइन में समझा था, सोसाइटी, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंट। ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट को बढ़ाना चाहिए, नेगेटिव इंपैक्ट को कम करना चाहिए। मतलब जैसे मान लो लैदर है, तो कोई भी लैदर में क्या होता है कि एनवायरमेंट पर नेगेटिव इफेक्ट आता है, तो हमें कम से कम उसको यूज करना चाहिए ताकि नेगेटिव इंपैक्ट ना आए। अब जैसे कोई वेंडर से हम सामान खरीदे और वो बच्चों चिल्ड्रन चाइल्ड लेबर को प्रमोट करें, तो हम उस वेंडर से सामान नहीं खरीदना चाहिए। राइट, रिसोर्सेज में आता है कैपेबिलिटीज का मतलब कि हमारे में कितनी क्षमता है कि हम दूसरे से डिफरेंशिएट कर पाए अपने प्रोडक्ट को। राइट, जैसे इस कंपनी में बात, तभी हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले पाएंगे। ठीक है, जैसे हम इस कंपनी में बात करें कि भी हमारे पास रॉ मटेरियल की स्ट्रीम मतलब सीमिंग हो सके, हमें पता लग सके कि कितना रॉ मटेरियल हमारे पास कब खत्म होने वाला है, ताकि हम ऑर्डर दे पाए टाइम से और स्टॉक आउट को फेस ना करना पड़े। पीपल्स, सक्सेडिंग थ्रू टैलेंट पीपल, मतलब अगर कोई भी कंपनी तभी ओवरऑल अच्छी हो सकती है जब उसके एम्प्लॉय अच्छी हो, यानी अगर उनमें टीम वर्क हो, उनमें परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर पाए, हम उनको प्रॉपर रिवार्ड दे पाए, उनको प्रॉपर बोनस दे पाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दे पाए, परफॉर्मेंस उनकी इवैल्यूएट कर पाए, तभी वो अपना अच्छा काम कर पाएंगे, तभी हम उनके जो उनके अंदर टैलेंट है उसको हम बाहर ला पाएंगे, यानी तभी वो अपना काम कर पाएंगे बाय हार्ट नॉट बाय टाइम। राइट भाई, यहां तक हो गया। अब आते हैं, अब इसमें मैनेजमेंट में आ जाते हैं सारे। मैनेजमेंट में कौन कौन से रह गए हमारे पास, विजन, एजिलिटी, इनोवेशन और रिजल्ट। विजन का मतलब हम क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, विजन देखो इसका मतलब है लीडिंग विद विजन, इंस्पिरेशन एंड इंटीग्रिटी, ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, विजन का मतलब क्या कहते हैं, लीडिंग विद विजन, इंटीग्रिटी, इंस्पिरेशन, मतलब जो टॉप मैनेजमेंट है उसका जो विजन है वो कंपनी का भविष्य निर्धारित करता है। मैनेजमेंट का विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो लीडर्स हैं वो शेप, लीडर्स विल शेप द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि मैनेजमेंट का विजन जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है। द विजन शुड बी क्लियर, राइट, मतलब ये कह सकते हैं टॉप ऑफ द विजन मस्ट बी क्लियर, क्योंकि यही कंपनी का भविष्य निर्धारित करता है हमारा। ओके, एजिलिटी, एजिलिटी का मतलब होता है मतलब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, मैनेजिंग विद द एजिलिटी, नए अवसर को पहचानना और उनको एनकैश करना, रिस्पॉन्ड करना चैलेंजेस को, थ्रेट को। राइट, जैसे मैं बात करूं एजिलिटी, जैसे स्कूटर थे कुछ साल पहले तो ये खत्म हो गए, अब नया चैलेंज आया बाइक, तो इसका मतलब कंपनी को, मैनेजमेंट को इस तरह से अपना स्ट्रक्चर करना चाहिए कि वो बाइक बनाने के लिए तैयार रहे। राइट, तो हमें इस तरह से मेहनत करनी चाहिए कि हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके। एजिलिटी मतलब नए अवसर को पहचान कर अपने रिसोर्सेज को उस तरह से ढालना, तभी आप उस चैलेंजेस को, थ्रेट को एक्सेप्ट कर पाओगे। ठीक है भाई, मान लो जैसे इंस्टीट्यूट है, अब इंस्टीट्यूट ने सिलेबस चेंज कर दिया, ठीक है जीएसटी आ गया, तो अब फैकल्टीज को या प्रोफेशनल्स को इस तरह से अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट करें, उस नए प्रोविजंस को अच्छी तरह से समझ कर और अप्लाई कर सके, तो कहलाएगा एजिलिटी, यानी चैलेंजिंग द न्यू, एक्सेप्ट द न्यू चैलेंजेस। क्लियर है, इनोवेशन, राइट, इसका मतलब है हार्नेसिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, यानी लगातार इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए, लगातार इनोवेशन करते रहना चाहिए, वही तभी क्रिएट कर पाएंगे हम शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू। तो ये एक प्रोग्राम नहीं है जो एक बार बना दिया, ठीक है, क्योंकि इंप्रूवमेंट की हमेशा जगह रहती है। जैसे हम ये कहें कि न्यू अपैरल डिजाइन है तो वो प्रमोट करो मार्केट में, अगर लगता है कि ये कस्टमर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मास प्रोडक्शन कर दो, नहीं लगता है तो दूसरा काम शुरू कर दो। तो ये हमेशा क्रिएटिविटी, इनोवेशन रहनी चाहिए, मतलब हर कुछ, हर पल नया नया करते रहना चाहिए। राइट, रिजल्ट्स, इसका मतलब हम कहते हैं सस्टेनेबल आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, यानी हम ये कहते हैं कि EFQM पॉसिबल नहीं है जब तक हम ये एक्सरसाइज ना करें कि कॉन्स्टेंट और पीरियोडिकल इवैल्यूएशन करें, यानी कॉन्स्टेंट और पीरियोडिकल इवैल्यूएशन हमारे लिए जरूरी है, तभी हम सस्टेन कर पाएंगे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। ये सारे हो गए हमारे बेसिक प्रिंसिपल।
बिल्कुल क्लियर है, एक बार फटाफट रिवाइज कर लें। कस्टमर राइट, इसको ऐसे करते हैं देखो, हाँ जी कस्टमर राइट, एक पार्ट हो गया। फैक्ट्री में रिसोर्सेस यानी कैपेबिलिटी, और एम्प्लॉइज यानी पीपल, ठीक है ये फैक्ट्री की बात हो गई, इसको ऐसे ध्यान में रखो। और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए क्या हो गया सोसाइटी राइट, रिजल्ट्स ओके, विजन और इनोवेशन राइट, विजन हो गया और एजिलिटी, ठीक है। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ यूरोपियन फाउंडेशन क्वालिटी मैनेजमेंट। फटाफट समझ ले एक बार, कस्टमर एडिंग वैल्यू टू द कस्टमर, मतलब हमें कस्टमर की जरूरत को समझना है, उस हिसाब से अपने रिसोर्स को डाइवर्ट करना है, ठीक है। कस्टमर हमें, तभी हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। अब जैसे इस केस की बात करें कि अप्रैल कंपनी देखे इंडियन मार्केट, वेस्टर्न मार्केट, मैन वुमेन चिल्ड्रन, कौन से मार्केट में ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर है, तभी हम उस मार्केट को ऑब्जर्व करें और अपने रिसोर्सेज को उस हिसाब से ढाले, तभी हम उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे राइट। फैक्ट्री में देखे कैपेबिलिटीज, यानी हम अपने बिजनेस को कैसे बेहतर बना पाए, यानी हम अपने प्रोडक्ट को कितना डिफरेंशिएट कर पाए दूसरे से, तभी हम कॉम्पिटिटिव एज ले पाएंगे। जैसे इस कंपनी में बात करें, इन्वेंट्री कंट्रोल सही होना चाहिए, तभी हम ये कर पाएंगे कि हमारा स्टॉक आउट नहीं होगा राइट। पीपल्स यानी एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का मतलब हो गया कि एक कंपनी तभी अच्छा काम कर पाएगी जब उसके एम्प्लॉइज अच्छे होंगे और ट्रेंड होंगे, एजुकेटेड होंगे, तभी वो टीम वर्क के हिसाब से काम कर पाएंगे। दे शुड डू द वर्क बाई हार्ट नॉट बाई टाइम राइट। अब मैनेजमेंट पर आते हैं, सोसाइटी, सोसाइटी में कहते हैं हम कि भाई पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए सोसाइटी पर, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए ओके, मतलब वो सारे फैक्टर होना चाहिए ताकि हम अपनी सोसाइटी के कर्तव्य को पूरा कर सके। ट्रिपल बॉटम लाइन जिसमें हमने कहा था राइट, मतलब जो भी नेगेटिव इंपैक्ट है सोसाइटी पर हमें उसको दूर करना चाहिए। जैसे हम कोई मान लो लेदर बना रहे हैं तो उसमें स्किन ऑफ एनिमल सही होते हैं तो एडवर्स इंपैक्ट होता है, तो हम उसको रिड्यूस करें, या वो वेंडर जिससे सामान खरीद रहे हैं चाइल्ड लेबर इस्तेमाल कर रहा है तो उसको अवॉइड किया जाए। विजन, विजन का मतलब है कि जो टॉप ऑफ द मैनेजमेंट है उनका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लीडर्स जो होते हैं वो शेप करते हैं कंपनी के फ्यूचर को, तो उनका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी कंपनी आगे बढ़ सकती है कि क्या करना है राइट। मैनेजिंग विद एजिलिटी, यानी नए अवसर को पहचानो और उसको एनकैश करो राइट, तो जो चेंजेस आते जा रहे हैं एक्सेप्ट करो। जैसे स्कूटर की जगह बाइक आ गया ठीक है, टेलीविजन खत्म होकर इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, तो उनको एक्सेप्ट करो ठीक है। मतलब जो भी नए नए चेंजेस आते हैं आप उनको फॉलो करो, एक्सेप्ट करो, तभी आप बिजनेस को एक्सेलेंट कर पाओगे ठीक है। जैसे हमने कहा था कि कोर चेंज हो गया, अब जीएसटी आ गया, तो इसका मतलब आप अच्छी तरह पहले से उसकी तैयारी करो ताकि आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाओ, क्लाइंट को अच्छी एडवाइस दे पाओगे ओके। इनोवेशन यानी हमेशा क्रिएटिविटी, हमेशा क्रिएटिविटी बनी रहनी चाहिए राइट। हार्नेसिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, यानी लगातार इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इट्स नॉट ए प्रोग्राम, ये एक बार बन गया ऐसा नहीं है ठीक है। जैसे न्यू अपैरल डिजाइन है वो प्रमोट करो, आप देखो कि नए डिजाइन हमने प्रमोट करे हैं, मार्केट में एक्सेप्ट हो रहा नहीं हो रहा, अगर मार्केट में एक्सेप्ट हो रहा तो मास प्रोडक्शन कर दो, तो नया करते रहना चाहिए राइट। रिजल्ट यानी जो भी हम काम कर रहे हैं, ईएफक्यूएम, ईएफक्यूएम तभी बेटर होगा जब हम कॉन्स्टेंट और पीरियोडिकल इवैल्यूएशन करें। क्लियर पार्ट बेटा, चलिए अब इसके बाद आते हैं इलेबलर्स और रिजल्ट। चलिए अब नेक्स्ट आता है क्रिटेरिया ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा क्रिटेरिया, क्रिटेरिया का मतलब क्या कहते हैं हम, बेसिस, मतलब इसके हम कहते हैं इनेबलर्स और रिजल्ट। समझना, इनेबलर्स का मतलब होता है कंपनी क्या करती है, व्हाट डज द और व्हाट डज द कंपनी डू, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन डू, यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन डू, क्या करती है कंपनी, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन डज, क्या करती है, और जो काम कर रहे हैं उसका क्या परिणाम आ रहा है ठीक है। द रिजल्ट मीन्स परिणाम ऑफ इनेबलर्स ओके, ये ध्यान रखना। अगर हमारे पास इनेबलर्स के सही रिजल्ट आते हैं तो हम इनको कंटिन्यू करते हैं, स्टेटस क्यू करते हैं। अगर इनेबलर्स के सही रिजल्ट नहीं आते तो हम इनको इंप्रूव करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये हमारे क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, और ये केपीआई कहते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ओके। चलिए
पहले इनेबलर समझते हैं हम, यानी व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन डज। तो इसको हम ऐसे समझते हैं एल ट्रिपल पी, राइट, ट्रिपल पी एंड एस, लीडर्स, पीपल, प्रोडक्ट, लीडर्स, पीपल, प्रोडक्ट, ठीक है, एंड पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेस और स्ट्रेटेजी। लीडर्स, सबसे पहली बात आती है लीडर्स की, क्या कहते हैं लीडर्स, हमारे डिफाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। अगर वो सही समय पर सही निर्णय ले लें, राइट, तो हम अच्छे रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। वो तभी हो पाएगा जब उनमें सफिशिएंट स्किल्स होगी। तो लीडर्स के लिए क्या कहना चाहते हैं कि लीडर्स डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, दे इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल्स बाय टेकिंग द करेक्ट डिसीजन एट द करेक्ट टाइम। तो लीडर्स, अगर लीडर्स हमारे अगर करेक्ट डिसीजन लेंगे सही समय पर, तो इसका मतलब होगा लीडर्स, ठीक है, लीडर डिफाइन द कल्चर, दे इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव गोल्स बाय टेकिंग द करेक्ट डिसीजन एट द करेक्ट टाइम। इसके लिए उनके पास सफिशियंट स्किल्स होनी चाहिए, राइट भाई, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, पीपल्स, सिंपल, एम्प्लॉय, एक्सेलेंस तभी संभव है जब मेरे पास अच्छे एम्प्लॉयज होंगे, राइट भाई, ट्रेंड होंगे, एक्सपीरियंस होंगे। ये क्या होना चाहिए, अच्छे लीडर्स होने चाहिए, अच्छे एम्प्लॉयज होने चाहिए, राइट, पार्टनर्स एंड रिसोर्सेस, पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेज। पार्टनरशिप, पार्टनर्स कौन होते हैं, वेंडर, राइट, सप्लायर्स, हु सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज, दे एनेबल द बिजनेस टू ऑपरेट स्मूथली, दे एनेबल द बिजनेस टू ऑपरेट स्मूथली। वेंडर है, टाइम से मटेरियल नहीं देगा तो फिर मेरा प्रोडक्शन नहीं होगा ना टाइम से। वेंडर मतलब, पार्टनर्स का मतलब वेंडर, सप्लायर, स्टाफ, ठीक है, स्टाफ इसमें भी कवर हो गया। तो कहते हैं वेंडर अगर मेरा सही नहीं होगा तो मुझे मटेरियल नहीं देगा, राइट भाई, तो वेंडर का, वेंडर की सर्विस अच्छी होनी चाहिए, दे एनेबल द बिजनेस टू ऑपरेट स्मूथली, ओके। प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड सर्विसेज, इंजन होता है गाड़ी का, गाड़ी का इंजन अगर खराब होगा, सही नहीं होगा, तो गाड़ी नहीं चलेगी। हम एजुकेशन है, हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, बाकी चीजें कुछ भी होंगे, कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग होगा तो चल पड़ेंगे। तो वही बात कहते हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज, मतलब कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट से जानी जाती है, वो कितना ही ऐड कर ले अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं तो नहीं चलेगी। तो प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस के दम पर ही एग्जिस्ट करती है, राइट भी, दे शुड मैनेज कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव टू क्रिएट द वैल्यू, राइट भी। एस स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का मतलब योजना, मतलब स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए तभी हम अपने प्लान्स को, गोल्स को अचीव कर सकते हैं, राइट भी। जैसे मैं बात करूं, एक स्टूडेंट है ट्वेल्थ का, अगर वो आर्ट्स साइड लेता है तो वो सोचता है कि मुझे सिविल में जाना है, कंपटीशन की तैयारी करनी है। साइंस लेता है तो मुझे सोचता है मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। कॉमर्स देखता है तो सोचता है कि मुझे फाइनेंस में जाना है। तो ये स्ट्रेटेजी है, उस हिसाब से वो एक्ट करता है हीरो के पास भी। तो ये कहलाते हैं मेरे इनेबलर्स, हो गया क्लियर। दोबारा, इनेबलर्स में क्या क्या बात कर रहे हैं हम, लीडर्स, पीपल्स, पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेस, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड सर्विसेस और स्ट्रेटेजी, ओके। लीडर्स कंपनी के भविष्य का निर्माण करते हैं, राइट, दे इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द गोल बाय टेकिंग द करेक्ट डिसीजन एट द करेक्ट टाइम, राइट। पीपल अच्छे होने चाहिए, एक्सेलेंट होने चाहिए, तभी हम अच्छे काम कर पाएंगे, अच्छे एम्प्लॉई ट्रेंड होने चाहिए, एक्सपीरियंस होने चाहिए। पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेज, राइट, अच्छा इसमें रहेगा रिसोर्सेज है। पार्टनरशिप का मतलब अच्छे वेंडर होने चाहिए, अच्छे सप्लायर होने चाहिए, तभी हम अपने बिजनेस को स्मूथ ऑपरेट कर पाएंगे, राइट। रिसोर्सेज में रह गया था, रिसोर्सेज में दो होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, हम उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना चाहिए। टेंजिबल में क्या आते हैं, कैश, बैंक बैलेंस, राइट, प्लांट एंड मशीनरी। इंटेंजिबल होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट, राइट मतलब ट्रेडमार्क, राइट। प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड सर्विसेज, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट से जानी जाती है, कितना मर्जी ऐड कर ले प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता नहीं चलेगी। तो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, प्रोसेस को मैनेज करना चाहिए, कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहना चाहिए, देन दे आर एबल टू क्रिएट द वैल्यू फॉर देयर शोल्डर्स, राइट। स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, क्लियर पार्ट भी। चलिए अब इनका रिजल्ट, ये सारे के सारे मेरे इनेबलर्स अगर मेरे सही रिजल्ट को क्रिएट करते हैं तब तो मैं कहूंगा कि हाँ भाई, हाँ मेरे इनेबलर्स सही हैं। अगर मेरा रिजल्ट टारगेट से कम रहता है, अगर मेरा रिजल्ट टारगेट से कम रहता है तो फिर मैं इनेबलर्स को इंप्रूव करूंगा, राइट। रिजल्ट क्या मतलब होता है, क्या करें हम, इफ द रिजल्ट्स हैव बीन अचीव्ड देन इनेबलर्स शुड बी कंटिन्यू, इफ द रिजल्ट्स आर फॉल शॉर्ट ऑफ टारगेट then changes will have to be made to the enablers, clear। तो क्या क्या result है, सबसे पहले customer result,
क्या क्या रिजल्ट कहां कहां से हम कहां देखेंगे, केपीआई कैसे पता लगेगा हमारे लैब्स ठीक है, राइट भाई। फर्स्ट कस्टमर, कस्टमर रिजल्ट, ओके राइट, बिजनेस रिजल्ट, राइट एंड पीपल रिजल्ट एंड सोसाइटी, ये हम कहते हैं। ध्यान से देखो, कस्टमर का रिजल्ट यानी कैसे कह पाओगे कि हमारे इनेबलर्स ठीक हैं, क्या कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, आर द कस्टमर आर सेटिस्फाइड, आर दे लॉयल, अगर कस्टमर मेरे सेटिस्फाइड हैं, कस्टमर मेरे लॉयल हैं, तो मैं कहूंगा सही। कैसे पता चलेगा, इंक्रीज मार्केट शेयर, मार्केट शेयर समझते हो ना, मेरे कस्टमर बड़े दूसरे के कम हो, राइट right? तो कस्टमर रिजल्ट से पता लग जाएगा कि हाँ आर द कस्टमर सेटिस्फाइड, ओके मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ना चाहिए, बिजनेस बिजनेस रिजल्ट यानी शेयर होल्डर्स की रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये बढ़नी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का बढ़ना चाहिए। कैसे पता लगेगा, शेयर प्राइस बढ़ जाए, अगर शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ रही है तो पता लग जाएगा, हाउ दे कम टू नो, राइट। कस्टमर सेटिस्फाइड कैसे पता लगेगा, लॉयल होगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा, यानी दूसरा कस्टमर मेरे पास आएंगे अपना पता लग जाएगा कस्टमर सेटिस्फाइड है। बिजनेस रिजल्ट यानी मैं अच्छा कमा के दे रहा हूँ शेयर होल्डर्स को, तो मेरे शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। पीपल एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज कैसे पता लगेगा सेटिस्फाइड है, मोटिवेटेड होंगे, टर्नओवर कम होगी, ये पॉइंट ध्यान रखना, एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगी, राइट। अगर एम्प्लॉय टर्नओवर कम है तो इसका मतलब सेटिस्फाइड है, छोड़ के नहीं जा रहे ना, क्लियर पार्ट भाई। अगर एम्प्लॉय मेरे मोटिवेटेड है, स्किल्ड है और टर्नओवर रेशियो मेरी कम है, ठीक है, तो इसका मतलब वो सेटिस्फाइड है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम मेरा क्या है, ठीक है। सोसाइटी, क्या कंपनी एक गुड कॉर्पोरेट सोसाइटी, क्या कंपनी एक गुड कॉर्पोरेट सिटीजन है, ठीक है, क्या हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट सीएसआर, एक होता है ना सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिया है या नहीं कर लिया है। जैसे आजकल मैं बताऊं, गवर्नमेंट ने हर कंपनी के लिए ये कहा गया कि अपनी रेवेन्यू का 2% आप अलग से इस पर खर्च करोगे, तो क्या हमने ये 2% खर्च कर लिया है या नहीं, राइट भी? तो ये सारे रिजल्ट है, अगर ये सारे रिजल्ट हम अचीव कर देते हैं, इफ द रिजल्ट हैव बीन अचीव्ड देन इलैबरर इनेबलर शुड बी कंटिन्यूड, इफ द रिजल्ट आर फॉल शॉर्ट ऑफ टारगेट देन चेंजेस विल हैव टू बी मेड टू द इनेबलर्स टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। हो गया क्लियर सारा बेटा? हाँ जी, चलिए बेटा आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, ठीक है। अब इस पर फटाफट एक केस स्टडीज है, पहले वो पढ़ ले, फिर इसका कॉन्सेप्ट इसी के साथ में कर लेते हैं, ओके। देखिए क्या कहते हैं, ये करंट आरटीपी में भी है, मई 2020 की, ठीक है। ये कहते हैं, रया हेल्थ केयर लिमिटेड ए लीडिंग हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर इन मुंबई, इट हैज अप्रोक्सीमेट 450 पोटेंशियल बेड, हॉस्पिटल है, ठीक है। इट प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड डे केयर स्पेशलिटी फैसिलिटीज ऑल्सो, डे केयर फैसिलिटीज हम देते हैं, डायग्नोस सेंटर भी है, दे आर यूजिंग ट्रेडिशनल डिवाइस, मतलब ट्रेडिशनल जो पुराने तरीके हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, सिटी स्कैन का और एमआरआई का, विच आर नॉट एनफ एज पर डिमांड, जो डिमांड के हिसाब से पूरे नहीं बैठते हैं। पेशेंट वेटेड मोर देन द वीक फॉर सिटी स्कैन एंड एमआरआई, मतलब पेशेंट बहुत ज्यादा वेट करता है इसके लिए। दिस प्रॉब्लम कैन कॉज डिले इन डायग्नोस इलनेस, और इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है बीमारी को ढूंढने में, टाइम वेस्ट होता है और अदर रिसोर्स स्टाफ का टाइम भी वेस्ट होता है, ठीक है। नॉट जस्ट इन रेडियोलॉजी बट थ्रू आउट द हेल्थ केयर, पूरे हेल्थ केयर सिस्टम, ये प्रेजेंट सिस्टम बता रहा है हेल्थ केयर का। अब रया ने क्या करा है, प्लान किया है कि हम आउटसोर्स कर दे सिटी स्कैन और एमआरआई सर्विस को, किसको, लिव लाइफ को, विच हैज वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल चेन ऑफ डायग्नोस्टिक सेंटर, जो मतलब एक वर्ल्ड क्लास सर्विसेज देने में सक्षम है। लिव लाइफ प्रॉमिस टू प्रोवाइड रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट विद इन 24 आवर्स, लिव लाइफ जो है वो प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको 24 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट दे देंगे। हाउएवर फाइनेंस मैनेजर ऑफ रया डाउट दैट, जबकि रया के फाइनेंस मैनेजर को ही डाउट है कि इट विल नॉट बी प्रॉफिटेबल अरेंजमेंट, कि प्रॉफिटेबल अरेंजमेंट नहीं होगा। फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ रया, लिव लाइफ ने क्या कहा, एंटर एन एग्रीमेंट, हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं टू प्रोवाइड इट सर्विसेज टू रया विद नो गारंटी ऑफ रिसीविंग पेमेंट। भाई आपको डाउट हो रहा है ना कि हमारी सेवाओं से आपको फायदा नहीं होगा, तो मत देना पैसे, आप सेवाएं ले लो, ठीक है। चलो ये हम क्या कह रहे हैं, कॉस्ट सेविंग जनरेटेड फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में जो भी आपको फायदा होगा हमारी वजह से, कॉस्ट में जो पैसे बचेंगे वो हम रखेंगे, ठीक है। जो भी कॉस्ट सेविंग होगी सेकंड और थर्ड ईयर में, वो हम 30-70 रेशो में बांट लेंगे, 30% आपका 70% हमारा। जो भी कॉस्ट सेविंग होगी चौथे साल में, वो सारा आपको दिया जाएगा। कोई भी ऐसी कॉस्ट सेविंग जो हम आइडिया दे रहे हैं, नहीं जो आप दे रहे हो आइडिया, जिसमें मेरे पैसे नहीं लग रहे,
ठीक है, वो मैं सारा आपको दूंगा, वो मैं अपने पास नहीं रखूंगा। वो कह रहा है डिस्कस द एग्रीमेंट बिटवीन रया एंड लिव लाइफ, तो आप बताना कि कौन सा एग्रीमेंट है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा एग्रीमेंट कौन सा है, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। ओके, तो आप सबसे पहले कहोगे द एग्रीमेंट बिटवीन द रया एंड लिव लाइफ इज ए गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। ओके, अब देखो सबसे पहले मुझे इसका कॉन्सेप्ट लिखना है, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। सबसे पहले हमें इसका यहां पर कॉन्सेप्ट लिखना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिफाइन करोगे इसका, ओके, फिर बताओगे कि दोनों के लिए फायदेमंद है या नहीं है, फिर आप अपना एनालिसिस दोगे, ओके, राइट। और फिर बताओगे कि किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए, क्या क्या रीजंस हैं फेलियर के, रीजंस फॉर फेलियर, मतलब किस वजह से ये फेल हो जाता है, और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, तभी तो पूरा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना जरा फटाफट, क्या कहते हैं गेन शेयरिंग, ये प्रॉफिट नहीं है, सेल माइनस कॉस्ट प्रॉफिट होता है, हम कहते हैं कॉस्ट सेविंग है, मतलब पैसे का ना जाना भी आना होता है, समझ रहे हो, पैसा नहीं जा रहा तो आना ही हुआ, वो कह रहे हैं गेन उस फॉर्म में, ठीक है। ये एक मॉडर्न टाइप का अरेंजमेंट है, जैसे मैं सिंपल सी भाषा में बात समझाऊं कि जैसे कोई फैकल्टी है, अब वो अपने स्टूडेंट को ये कह रहे हैं एक काम करो हम आपको फ्री पढ़ाते हैं, आप सीए बन जाओ, उसके बाद जो भी आपको सैलरी मिलेगी तो उसमें हम शेयरिंग कर लेंगे। अब देखो है तो रिस्क ना भाई, बाई चांस स्टूडेंट के बीच में दिमाग बदल गया, उसने सीए छोड़ दी, कोई और बेटर ऑप्शन में चला गया, तो फैकल्टी की सारी मेहनत बेकार गई, बट रिस्क है, बट अगर बन जाएगा तो फिर तभी शेयरिंग मिलेगी, तो दोनों के लिए विन विन पोजिशन होनी चाहिए, राइट भाई, जो रिस्क ले रहा है वो गेन भी करेगा, ठीक है। और ये तभी संभव है जब ट्रू एंड फेयर व्यू रिलेशन रही, ठीक है। तो जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि गवर्नमेंट ट्रैवल सेविंग प्रोग्राम होते हैं, गवर्नमेंट ये कहती है कि भी आप अगर हमारे ऑफिस के काम के लिए जा रहे हो और अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाकर रहते हो, ठहरते हो और आना जाना अपनी गाड़ी से करते हो, तो जो भी आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस होता है हम आपको आधा दे देते हैं, क्योंकि आधे पैसे आप फुल पैसे बचा रहे हो, तो हाफ आप रख लो, हाफ हम रख लेते हैं, राइट। या ये कहते हैं जैसे हॉस्पिटल है, मान लो अपने मेडिकल स्टाफ से एक बात करता है कि भाई जो भी मेथड आप हमें सजेस्ट करोगे, इनोवेट करोगे, जिससे कॉस्ट सेविंग होगी ऑपरेशन में, ठीक है, क्वालिटी बढ़ेगी, तो उस वजह से हम जो भी कॉस्ट में सेविंग होगी वो आप शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है बेसिकली गेन शेयरिंग के एग्जांपल। जैसे एम्प्लॉय को बोल दिया कि तुम मेहनत करो और जो प्रोडक्ट 4 घंटे में बन रहा है वो 3 घंटे में बना लो, तो 1 घंटा बचेगा, उसके पैसे बचेंगे, 50-50 बांट लेंगे, यानी होलसेल या रॉवन प्लान, ठीक है। तो यही बोलते हैं हम गेन शेयरिंग। तो ये कहते हैं इट्स एन अरेंजमेंट, किसमें अरेंजमेंट है ये, बिटवीन द सप्लायर एंड कस्टमर। सप्लायर कौन होता है, सप्लायर कौन होता है, जो आउटसोर्स जिसको किया जाता है, यानी जो सर्विस देता है, राइट। कस्टमर हम जो रिसिपेंट होते हैं, ठीक है, दोनों को फायदा होता है, दोनों की विन विन पोजिशन होनी चाहिए। सप्लायर को, सप्लायर हमें कोई गारंटी पेमेंट नहीं देता, मतलब सप्लायर कोई ऐसा नहीं कहता कि भाई कोई मिनिमम गारंटी पेमेंट मैं आपको दूंगा, हाँ जब फायदा होगा सप्लायर तभी पैसे लेगा। तो सप्लायर विल रिसीव ह्यूज अमाउंट रिटर्न व्हेन बेनिफिट टू कस्टमर आर वेरी हाई। भाई सप्लायर सर्विस दे रहा है कस्टमर को, ठीक है, तो कस्टमर से ये नहीं कह रहा कि मुझे मिनिमम पैसे दो कि मैं आपको तभी सर्विस दूंगा, नहीं नहीं नहीं, आपको फायदा होगा ना तभी मैं आपसे पैसे लूंगा, और अगर आपको ज्यादा फायदा होगा मेरी वजह से तो फिर मैं आपको फायदा दूंगा और फायदा लूंगा, यानी शेयरिंग करेंगे। सप्लायर विल रिसीव लो रिटर्न व्हेन बेनिफिट टू कस्टमर आर लो। अगर कस्टमर को बेनिफिट हाई है तो सप्लायर को बेनिफिट हाई होगा, अगर कस्टमर को बेनिफिट लो है तो सप्लायर को बेनिफिट लो होगा, अगर कस्टमर को कोई बेनिफिट नहीं है तो सप्लायर कोई रिटर्न नहीं लेगा, राइट। इसलिए हम कहते हैं दोनों की विन विन पोजीशन है, नो गारंटी पेमेंट विल बी मेड टू द सप्लायर फ्रॉम कस्टमर, राइट। गेन शेयरिंग एक अप्रोच है टू रिव्यू एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका रिव्यू है, उसमें एक एडजस्टमेंट की जाती है, राइट भाई। अब बात करते हैं यहां पर इस केस स्टडी की, ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। तो हम क्या कह रहे हैं, रया एंड लिव लाइफ के बीच में जो एग्रीमेंट है वो कैसा है, एक गेन शेयरिंग अरेंजमेंट है, रिस्क है, राइट भाई, क्योंकि लिव लाइफ ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, हो सकता है उनको कुछ भी रिसीव ना हो पाए, राइट, बट ये दोनों के लिए एक विन विन पोजिशन का काम करेगा, राइट। इफ बेनिफिट टू रया आर सब्सटेंशियल, अगर रया को सब्सटेंशियल बेनिफिट होंगे देन लिव लाइफ कुड फाइंड इट्स सेल्फ रिवार्ड विद अ हाई रिटर्न। अगर कोई बेनिफिट नहीं हुआ रिया को तो लिव लाइफ को कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉस्ट सेविंग कैसे हो सकती है,
मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो रे आउटसोर्स वाला है वो हमें आइडिया देगा, मतलब क्या आइडिया देगा, कॉस्ट सेविंग, कैसे, बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ सप्लाई, कॉस्ट ऑफ सप्लाई में कॉस्ट को कम कर सकता है, नए स्किल्स और टेक्नोलॉजी डेवलप करे, डिलीवरी टाइम बचाए, या नए ऑपरेशन मतलब इंप्रूवमेंट करे ऑपरेशन में, ठीक है, क्या क्या कर सकता है, रिडक्शन इन कॉस्ट सेविंग, न्यू स्किल्स और टेक्नोलॉजी डेवलप करे, डिलीवरी टाइम में रिडक्शन करे और इंप्रूवमेंट इन ऑपरेशन, राइट। तो ये सारे अडॉप्ट करके रहा तब जाकर वो कॉस्ट सेविंग कर सकता है जिसमें दोनों को फायदा होगा, राइट। हम ये कहते हैं रेयर टू गेट बेस्ट वर्ल्ड क्लास सर्विसेज, राइट, हायर स्पेसिफिकेशन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, राइट। ये रेयर को फायदा होगा, भले फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता ना हो, कि उनको अच्छा एक रेपुटेशन मिल जाएगी कि भाई वो हायर स्पेसिफिकेशन मेडिकल ट्रीटमेंट ले सके, क्योंकि अभी तो ट्रेडिशनल ले रहे हैं और कस्टमर को वेटिंग टाइम भी ज्यादा लग रहा है। अगर वो आउटसोर्स कर देते हैं और चलो कोई कॉस्ट सेविंग नहीं भी होती तो उन्हें वर्ल्ड बेस्ट क्लास सर्विस तो मिली जाएगी एटलीस्ट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म एंड कंडीशन हमेशा क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी है, दीज आर द टर्म एंड कंडीशन, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा, राइट। तो ये सारे ये विन विन पोजिशन ही कहलाएगी, क्योंकि अगर कोई कॉस्ट सेविंग हो गई तो इस तरह से बटेगा, और अगर कॉस्ट सेविंग नहीं हुई तो भी एक तरह से हम कह सकते हैं रेया को वर्ल्ड बेस्ट क्लास सर्विस का फायदा मिलेगा, जिससे उसकी रेपुटेशन तो बढ़ी जाएगी, क्लियर है बेटा। तो ये एक तरह से दोनों की विन विन पोजीशन तो है ही, ओके। अब हम ये बताते हैं किस कारण की वजह से ये फेल हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला, अगर ये अनस्ट्रक्चर्ड हो, सबसे पहले क्या होता है, अगर ये अनस्ट्रक्चर्ड हो, राइट, पुअरली स्ट्रक्चर्ड हो, डिफाइन ही ना हो, तो ये फिर ये फेल हो जाएगा, क्योंकि आप ये डिफाइन ही नहीं करोगे। अगर हम ये कहेंगे इफ इट कुड हैड Not been defined, अगर ये define नहीं होता, ये ठीक है अभी जो होगा फिर देख लेंगे, एक बार काम शुरू करते हैं, तब फिर हम कहते हैं ये फेल हो जाएगा, ठीक है। या फिर कहते हैं error in implementation, मतलब हम तो आइडिया दे रहे हैं और आप जो कस्टमर है वो उसको फॉलो ही नहीं कर रहा, तो फिर इसका क्या फायदा, ठीक है। अभी रिलेशन विद द सप्लायर, ठीक है, मतलब जो सप्लायर है उसके साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, तभी तो ये अप्लाई होगा। तो अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो फिर ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, ओके। क्या क्या मुझे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहले तो स्पेसिफाइड होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, राइट। एफर्ट्स फ्रॉम एंटिटी, मतलब ऐसा नहीं हो कि एंटिटी एफर्ट्स ही ना करे, राइट। लास्ट में अलग से इनोवेशन टीम होनी चाहिए, क्योंकि अगर अलग से इनोवेशन टीम नहीं होगी तो एग्जिस्टिंग टीम क्या होगी, वो उस इनोवेशन को अप्लाई भी नहीं कर पाएगी, ये कहलाएगा गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। चलिए मैं फटाफट एक बार रिवाइज करा दूं। सबसे पहली बात क्या कहते हैं हम कि गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, प्रॉफिट नहीं बात करते हैं, सेल माइनस कॉस्ट वाला प्रॉफिट के टर्म्स नहीं है, ये क्या है, कॉस्ट सेविंग है। कॉस्ट सेविंग का मतलब पैसे का ना जाना ही पैसे का आना होता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट सेविंग। मॉडर्न अरेंजमेंट है, जैसे कोई फैकल्टी अपने स्टूडेंट को ये बोले कि हम आपको फ्री पढ़ाते हैं, जब आप कमाने लगोगे तो हम आपसे शेयर ले लेंगे, राइट। जैसे गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को ये कहते हैं कि आप ऑफिस टूर के लिए कहीं आउट स्टेशन जा रहे हो तो आने जाने का रहने का खर्चा हम आपको एक अलाउ करते हैं 1,00,000 रुपये, अब आप वो सेव कर लेते हो तो ठीक है, हम आपको 50% आपको दे देंगे, 50% हम रखेंगे गेन शेयरिंग को। या जैसे कोई हॉस्पिटल है अपने स्टाफ को कहता है कि आप कुछ मेथड सजेस्ट करो जिससे ऑपरेशन करके हमें कॉस्ट में पैसे बचे, तो वो हम आपस में बांट लेंगे। या जैसे कहते हैं कोई एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पर कोई वेंडर आता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी वेंडर को बोलती है कि वो भी आप हमें आइडिया सजेस्ट करोगे, उस आइडिया की वजह से अगर हमारे को कुछ सेविंग होगी तो वो सेविंग हम आपस में शेयर कर लेंगे, अगर आपकी आइडिया की वजह से हमें कोई शेयरिंग नहीं होगी तो हम कोई आपस में बंटवारा नहीं करेंगे, मेरे पास देखिए। तो ये कहते हैं एक अरेंजमेंट है बिटवीन किसके बीच में, कस्टमर और सप्लायर। सप्लायर होता है जो सर्विस देता है आउटसोर्सिंग जिसको करते हैं, कस्टमर जो रिसिपिएंट होता है सर्विस लेता है, ठीक है, दोनों का बेनिफिट होता है, दोनों के लिए विन विन पोजीशन होती है। सप्लायर ध्यान से सुना, सप्लायर विल रिसीव ह्यूज अमाउंट ओनली व्हेन बेनिफिट टू कस्टमर आर वेरी हाई। अगर कस्टमर को बेनिफिट नहीं हो रहा है तो सप्लायर को भी कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, फिर सप्लायर को कोई गारंटी पेमेंट नहीं मिलती है, ठीक है, या समझो कि हम गारंटी पेमेंट देंगे, ओके। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक अरेंजमेंट है, राइट, गेन शेयरिंग अप्रोच है, रिव्यू है किसका, एडजस्टमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अब यहाँ की बात करते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। तो रेया और लिव लाइफ के बीच में जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, गेन शेयरिंग है, दोनों के लिए एक तरह से विन विन पोजीशन तो है, कैसे, हालांकि हम कहेंगे कि लिव लाइफ के लिए थोड़ा रिस्क है कि वो ज्यादा पैसा खर्च करेंगे और हो सकता है वो अचीव ना हो पाए,
बट स्टिल फिर भी उनको एक उम्मीद है कि हाँ हमें बेनिफिट होगा। रिया के लिए तो पूरी पूरी है कि भैया पैसा खर्च करो, अगर नहीं भी बचेगा तो कम से कम हमें वर्ल्ड बेस्ट क्लास सर्विस मिल जाएगी जिससे हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी और कॉस्ट सेविंग भी होने की संभावना है। कैसे? बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ सप्लाई, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू स्किल्स, डिलीवरी टाइम रिड्यूस होगा और इम्प्रूवमेंट इन ऑपरेशन, इन वजह से कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। राइट भाई? रिया ट्राई टू गेट बेस्ट और बेस्ट सर्विसेज जिससे उनकी रेपुटेशन बढ़ेगी। राइट भाई? ये सारा जो अरेंजमेंट है तभी सक्सेस होगा जब ये सारी कंडीशन पहले से क्लियर होंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये अरेंजमेंट कर लेना चाहिए। ओके, बट देर आर सम रीजन टू फेल, कुछ कारणों की वजह से ये फेल हो सकता है। अगर ये अनस्ट्रक्चर्ड हो, डिफाइन ही ना हो, और मैं तो मतलब सप्लायर कह रहा है मैं तो सजा देता रहूं पर वो फॉलो ना करें, तो एरर इन इम्प्लीमेंटेशन अगर होगा, तो अगर सप्लायर से रिलेशन ही बना के नहीं चलोगे तो फिर ये अरेंजमेंट हमारा फेल हो जाएगा। राइट भाई? मतलब कोई हाइड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टर्म एंड कंडीशन ट्रू एंड फेयर व्यू होने चाहिए, तब ये अप्लाई होगा। प्रिकॉशंस यानी सावधानी क्या पड़ते हैं उसके लिए, फिर हम उसके लिए होनी चाहिए कि ये सब क्लियर हो, वेल डिफाइंड हो। राइट? अलग से हमारे पास टीम हो, अलग से एक इनोवेशन टीम हो जो सप्लायर के सभी आइडिया को फॉलो करे। अब सप्लायर है जैसे लिव लाइफ, वो तो आइडिया दे दे कि भाई मैं जो नई MRI और CT स्कैन लगाऊंगा उसको इस तरह से ऑपरेट करना है, आपका स्टाफ उस तरह से ऑपरेट ही नहीं करे तो फिर कहाँ से पैसे बचेंगे। चलो आप अलग से कोई टीम रखो, क्योंकि जो पुरानी टीम है तो हो सकता है वो आपकी बात को ना समझ पाए, वो नई चीज को एक्सेप्ट ना कर पाए, तो इसलिए एक नई अलग से टीम होनी चाहिए। राइट? एफर्ट्स भी होने चाहिए एंटिटी के द्वारा, तब ये सक्सेस होगा। ये पार्ट बता, ये हो गया हमारा चेन शेयरिंग अरेंज। हाँ जी, चलिए बेटा नेक्स्ट शुरू करते हैं हम। देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है? तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर केस स्टडीज पर आते हैं। ठीक है? हाँ जी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है? पहले एक बार इसका हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर आते हैं हम इसके केस स्टडी पर। ठीक है बेटा? देखिए जरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। कंप्लीट चेन ऑफ सर्विंग द कस्टमर, ठीक है? जो कस्टमर को हम सामान बेचते हैं वो किस चेन के थ्रू बेचते हैं, उसमें क्या क्या चेन लिंक्ड होती है। राइट? इट कंसिस्ट सबसे पहले वेंडर, राइट? वेंडर कौन होता है? हु सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज टू द मैन्युफैक्चरर। राइट? सेकंड हम कहते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड्स प्रोड्यूस करता है, कन्वर्ट द रॉ मेटेरियल टू द प्रोडक्ट। फिर होलसेलर, होलसेलर जो गुड्स प्रोड्यूसर से परचेस करके रिटेलर को देता है और रिटेलर लेकर कस्टमर को देता है। तो ये सारी चेन होती है। राइट भाई? जो भी इंफॉर्मेशन या नेटवर्क फ्लो होता है यहां से लेकर यहां तक, रिटेलर किसको देता है? गुड्स कस्टमर को। ठीक है? तो ये जो चेन होती है इसको बोलते हैं सप्लाई चेन। इसमें सारी इंफॉर्मेशन इनके बीच में जो फ्लो होती है, राइट, जो भी फ्लो होती है यहां पर, WIP हुआ, फिनिश गुड्स हुआ, रॉ मेटेरियल हुआ, इसके लिए जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है उसको बोलते हैं हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है? क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली वैल्यू चेन एनालिसिस को एनकरेज करता है, क्योंकि अगर ये सप्लाई चेन ना हो तो कोई भी प्रोड्यूसर कस्टमर को डायरेक्ट सेल नहीं कर पाएगा। ये उसको पता ही नहीं चलेगा कि कस्टमर को कितना सामान चाहिए, कब चाहिए, कितने में चाहिए। ठीक है? अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे इसको, तो इसको ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले हम क्या कहते हैं, एक फार्मर होता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, देखो एक फार्मर, किसान, फार्मर क्या करता है? वीट ग्रो करता है। ओके? फार्मर वीट ग्रो करके गेहूं उगाकर किसको देता है? मिल मालिकों को देता है। मिल वाले क्या करते हैं? इससे इसको फ्लोर बनाते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? गेहूं को आटे में। और फिर मिल वाले होलसेलर को देते हैं। राइट? होलसेलर बल्क में परचेस करके किसको देता है? बेकर को, यानी बिजनेसमैन को, कंपनी को, मैन्युफैक्चरर को, प्रोड्यूसर को। ये उस फ्लोर से आटे से क्या बनाते हैं? ब्रेड बनाते हैं। राइट भाई? और ये जो बेकर होते हैं ये फिर किसको देते हैं? सुपरमार्केट में, मतलब रिटेलर को। रिटेलर अपना गुड्स यहां से स्टोर करके फिर किसको देता है? कस्टमर को देता है। तो ये बेसिकली हमारी वैल्यू चेन है, यानी गुड्स यहां से बना, यहां पहुंचा। क्लियर पार्ट भाई? अब ध्यान से सुनो, ये क्यों जरूरी है हमारे लिए?
मतलब इन सबको हम बोलते हैं नोड, ठीक है। एनी पार्ट ऑफ सप्लाई चेन अफेक्ट द बेकर। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अगर फार्मर अपना काम स्विच कर दे वीट से किसी और पर, क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो इससे क्या होगा, मार्केट में फ्लोर की आटे की कमी हो जाएगी, राइट भी, और इससे इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऐसे अगर हम कहें कस्टमर शिफ्ट हो जाए, अपना टेस्ट बदल दे कि भाई वो व्हाइट ब्रेड से ब्राउन ब्रेड में आ जाए, तो जब वो अपना टेस्ट बदलेगा तो इनकी रिक्वायरमेंट बदल जाएगी, इनको अपना स्टॉक मेंटेन करना पड़ जाएगा दूसरे तरीके से, राइट भी। तो ये सब क्या कहते हैं, ये सारी चेन खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली एक दूसरे से लिंक्ड है। मतलब फार्मर डायरेक्टली कस्टमर से लिंक नहीं करता, बट आपस में ये एक दूसरे से लिंक करते हैं, क्लियर। पर तो इसको बोलते, इसको क्या नाम देते हैं हम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है बेसिकली, प्रोडक्शन प्लानिंग, पहली होती है प्रोडक्शन प्लानिंग, राइट। प्रोडक्शन प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से, पहले ये हम डिसाइड करते हैं। फिर परचेजिंग, राइट, तो जितना गुड्स कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें प्रोड्यूस करना है उतना ही हम परचेज करेंगे। उसके लिए मटेरियल रिक्वायरमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट कह सकते हो, कि मटेरियल में कितना रखूं ताकि कभी भी स्टॉक आउट ना हो, राइट, कितना डिस्ट्रीब्यूट करें, राइट, और कस्टमर सर्विस कैसे कैसे दे, और फोरकास्टिंग। क्लियर बात बेटा, दोबारा, प्रोडक्शन प्लानिंग मतलब कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से, यहां से समझो कस्टमर की फोरकास्टिंग करेंगे, उसको कैसे कैसे सर्विस देनी है, ठीक है, उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन की प्लानिंग करेंगे, तभी पता लगेगा कितना मेटेरियल चाहिए, कितना मेटेरियल हमारे पास है, कितना खरीदेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे करना है। तो दीज आर द एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है, ये इसका एक कंसेप्ट है। तो पहले अब एक केस स्टडीज इसको पढ़ लेते हैं। चलिए देखो केस स्टडी में क्या कहता है, ये कहता है, हाँ जी, सन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स वेरियस इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा। मतलब ये हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचते हैं। द कंपनी सेल्स दीज गुड्स थ्रू 30 स्टोर्स सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ओके, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेच रहे हैं और 30 मेरे पास स्टोर है अलग अलग कंट्री में। द स्टोर मैनेजर्स प्लेस ए रिक्वेस्ट टू द सेंट्रलाइज्ड टीम सिचुएटेड इन मुंबई ऑन मंथली बेसिस। अच्छा, स्टोर वाले क्या करते हैं, महीने में एक बार रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो भी मंथली बेसिस पर, और वो जो सेंट्रलाइज है मुंबई में। मतलब एक तरीके से हम ये कह रहे हैं कि उस कंपनी में क्या है, 30 अलग अलग जगह पर स्टोर हैं, और हर स्टोर वाला, मतलब कंपनी के 30 अलग अलग जगह पर स्टोर हैं, और हर स्टोर वाला एक सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट है मुंबई, उनको रिक्वेस्ट भेजता है कि ला भाई मुझे प्रोडक्ट दे दो, और वन स्टोर एक रिक्वेस्टेशन भेजेगा हर महीने बस एक। इस वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोर आर फॉरवर्डेड टू द प्रोडक्शन प्लानिंग टीम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखो, स्टोर्स की रिक्वायरमेंट जो सेंट्रलाइज टीम है, मतलब क्या है, जितने भी स्टोर्स हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट किसको भेजते हैं, एक सेंट्रलाइज टीम को, सेंट्रलाइज वाले फिर वो रिक्वायरमेंट किसको भेजते हैं, प्रोडक्शन टीम को देते हैं कि भाई इस स्टोर को इतना सामान चाहिए, उस हिसाब से प्रोडक्शन शेड्यूल करो। वंस द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, और जब गुड्स बन जाते हैं, द गुड्स आर सेंट टू द सेंट्रल वेयरहाउस इन मुंबई, और फिर वापस मुंबई में आते हैं और डिस्पैच होते हैं डिफरेंट स्टोर्स पे अकॉर्डिंग टू द स्टोर्स रिक्वायरमेंट। हो गया क्लियर, मैं दोबारा बताता हूं, कंपनी में क्या कह रहा है, वो 30 स्टोर है, राइट, हर स्टोर अपनी अपनी रिक्वायरमेंट जितनी उसको जरूरत होती है उसके कस्टमर के हिसाब से किसको भेजता है, सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट को देता है मुंबई में। सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलता है कि भाई मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आई है, इतना बनाओ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाकर सारे के सारे कहां भेज देता है, फिर दोबारा सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट को, सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट फिर स्टोर को भेज देता है, तुमने मांगा था ये ले जाओ, राइट। इससे क्या समस्या आ रही है, टाइम टेकन फ्रॉम प्लेसिंग ए रिक्वेस्ट स्टोर टू डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, इट टेक्स 3 to 40 days, 30 to 40 days ऑन एन एवरेज। मतलब इस समय में, इस सारी प्रक्रिया में कितना टाइम लग जाता है, 30 से 40 दिन, कि भाई मैं पहले स्टोर से सेंट्रलाइज वेयर हाउस को भेजूंगा, सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट फिर प्रोडक्शन को भेजेगा, प्रोडक्शन वाले बनाकर फिर सेंट्रलाइज को भेजेंगे, फिर मेरे पास आएगा, तो इसमें 30-40 दिन लग जाते हैं। इस प्रोसेस में कंपनी प्रोक्यूर पार्ट्स फ्रॉम मोर देन 100 वेंडर्स, राइट भी, और कंपनी क्या है, 100 वेंडर्स है जिनसे इनपुट लेते हैं। कंपनी हैज फेस्ड क्वालिटी रिलेटेड इशू विद मेनी वेंडर्स, राइट, जिससे मेरा प्रोडक्शन डिले हो जाता है। एवरेज होल्डिंग पीरियड इन्वेंट्री का सन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में बहुत हाई है, 45 डेज, एज अगेंस्ट इंडस्ट्री एवरेज 15 डेज। अब क्या है? ये सारा जो प्रोसेस है, इस वजह से हमारा जो एवरेज स्टॉक है वो 45 डेज का रखते हैं ताकि स्टॉक आउट ना रहे, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है, इससे वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है, राइट। सिंस द ऑर्डर टू डिलीवरी टाइम एट स्टोर इज वेरी हाई, क्योंकि
अब एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया तो मैं पहले सेंट्रलाइज को भेजूंगा, सेंट्रलाइज प्रोडक्शन को देगा, वहां से आएगा सेंट्रलाइज पर फिर मेरे पास आएगा, तो टाइम लग जाता है। द कंपनी हैज ट्रेडिशनली अलाउड हाई इन्वेंट्री होल्डिंग टू रिड्यूस द स्टॉक आउट, ठीक है, इसलिए इसको बचाने के लिए कंपनी क्या कर रहा, स्टॉक रख लो भाई अपने पास, तुम आज ऑर्डर दोगे 45 दिन में आएगा तो भैया अपने पास पहले से ज्यादा स्टॉक रखो, बट इससे क्या होगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी मेरी, मेरी कैपिटल ज्यादा ब्लॉक रहेगी। ए हाई अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड एट ईच स्टोर ऑल्सो मीन प्रोडक्ट बिकम ऑब्सोलीट। अच्छा, एक समस्या और, पैसे तो ब्लॉक होंगे ही, और उससे क्या होगा, जब आप ज्यादा सामान खरीद रख लोगे तो कुछ समय बाद वो बेकार भी हो जाएगा, क्योंकि जो मोबाइल फोन है वो बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, न्यू एंड अपग्रेडेड वर्जन आर अवेलेबल इन द मार्केट एज अर्ली एज 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल लॉन्च ऑफ पर्टिकुलर मॉडल। मतलब कोई भी पर्टिकुलर मॉडल लॉन्च होता है तो 6 महीने बाद दूसरा आ जाता है, तो पहले वाला बेकार हो जाता है, मतलब वो ऑब्सोलीट हो जाता है। ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ मोबाइल फोन बिकम्स ऑब्सोलीट एवरी ईयर, इसकी वजह से क्या होता है, हर साल बहुत सारे फोन हमारे ऑब्सोलीट हो जाते हैं, मतलब आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, उनको कोई नहीं खरीदता, आउटडेटेड हो जाते हैं। द कंपनी जनरली रिजॉर्ट्स टू डिस्काउंटेड सेल टू लिक्विडेट, अब उनको बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सस्ते दामों पर बेचने पड़ते हैं, फाइनेंशियल लॉस होता है। मैनेजमेंट एट सन इलेक्ट्रॉनिक हैज आइडेंटिफाइड ई कॉमर्स एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर फास्टर ग्रोथ, अब अगर सन इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या आइडेंटिफाई किया, ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन सेल आइडेंटिफाई किया इन टर्म्स ऑफ रिवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। कंपनी इज कंसिडरिंग लॉन्च ऑफ ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट टू सेल और प्रोडक्ट विच आर करंटली बींग सोल्ड इन फिजिकल स्टोर, अब कंपनी ने क्या सोचा है कि अलग अलग स्टोर में माल बेचने से बेहतर है अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना लो, ई मतलब एक वेबसाइट होती है जिस पर हम अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं और एडवर्टाइजमेंट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जिसको भी चाहिए वो हमारी वेबसाइट पर आता है, क्लिक करता है और वो एड टू कार्ट पर जाकर परचेज कर लेता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सक्सेस ऑफ ऑनलाइन सेल कंपनी माइट चूज टू ऑप्टिमाइज एंड क्लोज सर्टेन फिजिकल स्टोर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर, अब क्योंकि सेल बढ़ रही है तो हम स्टोर्स को बंद करने की बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट, इस बात से अवगत है, इसका मतलब अवगत होना मतलब अवेयर होना, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री प्रोक्यूरमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम विल नॉट फिट द न्यू ई कॉमर्स, मैनेजमेंट को पता है कि जो मेरा प्रेजेंट सिस्टम है कि भी पहले स्टोर के पास रिक्विजिशन आएगी, स्टोर फिर उसको कहां भेजेगा, सेंट्रलाइज को, सेंट्रलाइज फिर प्रोडक्शन को भेजेगा, फिर प्रोडक्शन वापस भेजेगा, तो ये सारा सिस्टम ई कॉमर्स में नहीं चलेगा। ई कॉमर्स वर्क्स ऑन इन्वेंट्री हाई मॉडल एंड क्विक एज वेल एज टाइम डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कस्टमर, ई कॉमर्स इस बात पर करता है जैसे ही ऑर्डर आए आप उसको डिलीवर करो। द फैक्ट दैट कस्टमर कुड बी फॉर्म ऑफ लोकेशन अदर देन दोज वेयर सन इलेक्ट्रॉनिक्स हैज फिजिकल प्रेजेंस मेक द मैटर कॉम्प्लेक्स, यानी हमारे पास ऑर्डर कहीं से भी आ सकते हैं, वहां पर जरूरी नहीं हमारा स्टोर हो। चलिए क्या चाहिए, ये तो हो गया केस स्टडीज की बातें। The company is considering implementation of supply chain management system. अब सोच रहे हैं कि हम supply chain management follow करें। क्या supply chain management हमारे use के लिए होगा e-commerce के context में? Right? आपको बताना है कि supply chain का concept क्या है और उसकी applicability क्या है। तो सबसे पहले तो आप situation बता दो कि क्या है। सबसे पहले issue बताओगे इसमें क्या क्या issue है, ठीक है? फिर supply chain का concept। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कहेंगे, issue ध्यान से समझ लो। सबसे पहले हम ये कहेंगे, इसी को डिस्क्राइब करना है बस, बिल्कुल सिंपल, कि सन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी मोबाइल फोन बनाकर बेचती है, 30 स्टोर्स हैं, ओके, हर स्टोर 1 महीने में 1 रिक्विजिशन सेंट्रलाइज वालों को भेजता है, सेंट्रलाइज वाले वो रिक्वायरमेंट लेकर प्रोडक्शन वालों को भेजते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स प्रोड्यूस करके सेंट्रलाइज को भेजता है, फिर सेंट्रलाइज वहां से स्टोर को भेजते हैं, तब जाकर स्टोर कस्टमर को दे पाता है, ये लिख दोगे। फिर इस प्रोसेस में हमारी हाई वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है, फाइनेंशियल लॉस होता है, गुड्स ऑब्सोलीट हो जाता है, 3 चीज हो गई, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है, फाइनेंशियल लॉस होता है और गुड्स ऑब्सोलीट हो जाता है, जो सस्ते दामों पर मुझे बेचना पड़ता है, राइट में। तो इसका मतलब जो गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं वो डिमांड के हिसाब से नहीं कर पाते हैं, हम बहुत ज्यादा ब्लॉक करके चलते हैं, राइट। एवरेज 45 डेज का हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री ब्लॉक करते हैं, और जो हमारा पीरियड है वो भी हमारा ज्यादा है, क्लियर पार्ट। ये हमारी करंट सिचुएशन है, ठीक है। अब वो कहता है कि हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर अगर हम ऑनलाइन सेल करें तो डेट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, दिस इज द करंट इशू, लिख दोगे इतना। अब इसके बाद हमें बताना है सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहली बात आप कहोगे सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट क्या है, राइट। आप ये कहोगे, चलिए अब आगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम कहां से, ओरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट टू द एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट, राइट। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, वेंडर जो सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर जो गुड्स बनाता है,
राइट, होलसेलर जो गुड्स को रिसीव करके स्टोर करता है रिटेलर को देता है, रिटेलर हु रिसीव द गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड सेल टू द कस्टमर, इनके बीच में WIP का, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का लेन देन होता है, आपस में मूवमेंट होता है। इसका मतलब क्या है, सारी एक्टिविटीज जिनको हमें मैनेज करना है उसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, राइट भी। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली वैल्यू चेन को एनकरेज करता है क्योंकि वैल्यू चेन से लिंक करता है, तो जो भी हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज थी, सेकेंडरी एक्टिविटीज थी, राइट, वो यहां पर शॉर्ट में लिखनी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को हमें यहां पर लिंक करना है। ओके, प्राइमरी एक्टिविटीज क्या थी, इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज। सेकेंडरी क्या थी, प्रोक्यूरमेंट R&D, प्रोक्यूरमेंट HRD और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल सपोर्ट, राइट भाई। तो अब ये कहते हैं कि ये सारी जो सर्विसेज है हमारी, ये आपस में इंटर रिलेटेड है, आइसोलेटेड नहीं है। तो यहां तक हमारा हो गया सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये कहते हैं कि सन इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या प्रॉब्लम है, इन्वेंट्री होल्डिंग की प्रॉब्लम है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है, राइट, टाइम लग जाता है प्रोडक्शन ऑर्डर को फुलफिल करने में, क्लियर है, फाइनेंशियल लॉस होता है और बाद में ऑब्सोलीट बेचना पड़ता है। दीज आर द प्रॉब्लम दैट द सन इलेक्ट्रॉनिक विल हैव टू फेस इन एग्जिस्टिंग पोजीशन, ठीक है। अब वो कहता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट की एप्लीकेबिलिटी, राइट, पहली बात क्या कह रहे हैं वो, एप्लीकेबल, राइट, क्या हमारे लिए यूजफुल होगा या नहीं होगा, राइट। तो सबसे पहले बात क्या करेंगे हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, क्लियर। अब सेकंड पार्ट इसमें देखो ध्यान से जरा, ये कहता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये हो गया हमारा, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया। अब वो कहता है कि इवैल्यूएट द एप्लीकेबिलिटी इन द करंट केस, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन मांग कह रहा है, इवैल्यूएट इसका मतलब इवैल्यूएट करना है, एप्लीकेबिलिटी यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को यहां अप्लाई करना है, और इवैल्यूएट का मतलब बताना है फायदा, इवैल्यूएशन मींस फायदा बताना है और एप्लीकेबल करके समझाना है इस सिस्टम में। तो सबसे पहली बात कमी देखते हैं करंट सिस्टम में, करंट केस में क्या है, करंट केस की मैं बात करूं तो यहां पर ये कहता है कि भी कंपनी में ना हमारे पास स्टोर्स हैं, डिफरेंट हमारे पास स्टोर्स हैं, ठीक है। अब हर स्टोर एक महीने में रिक्विजिशन भेजता है कहां पर, सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट में कि भी मुझे इतना प्रोडक्ट चाहिए, सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेजता है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाता है और बनाकर फिर सेंट्रलाइज को भेजता है, फिर यहां से फिर इनके पास डिलीवरी होता है, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो हमें यहां समझाना है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अप्लाई करें, मतलब इसमें पुल सिस्टम अप्लाई करें ना कि पुश सिस्टम। अब एक दो सिस्टम समझ लो, क्या क्या, पुल और पुश, ठीक है। पुश सिस्टम में क्या होता है कि हम पहले से गुड्स बनाकर रख लेते हैं और फिर जैसे जैसे जो कस्टमर आता है उसको देते जाते हैं, समझ गए। जैसे नॉर्मल है भाई, टीवी बना के रख लिए, वॉशिंग मशीन हैं, नॉर्मल जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, वो सब क्या होता है, बना के रख लेते हैं और जैसे कस्टमर आता है उसको हम देते रहते हैं, वो एडॉक बेसिस पर, ये कहलाता है पुश सिस्टम। तो यहां पर नहीं चलेगा वो, यहां पर चलेगा पुल सिस्टम। अब पुल सिस्टम क्या होता है, पुल सिस्टम का मतलब होता है कि स्टॉक्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर एंटीसिपेटेड डिमांड, समझ गए। मतलब जैसे अमेजन है, ध्यान से सुनना, हम जब डिमांड आएगी, जब ऑर्डर आएगा तब बनाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर दिया अमेजन को, अमेजन ने वो ऑर्डर ले लिया, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब वो ऑर्डर लेकर अमेजन क्या करेगा, अपने चेन को भेजेगा, मतलब उसका चेन क्या पीछे, डिस्ट्रीब्यूटर, कि भाई ये मेरे पास ऑर्डर आया है क्या तुम्हारे पास है, वो कहेगा सर नहीं है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर अपने रिटेलर को देगा कि भैया ये तुम्हारे पास है क्या, और वो पीछे की चेन तक जाएगा, रिटेलर फिर जहां से गुड्स बनता है उसको बोलेगा कि भाई यही मेरे पास ऑर्डर आया है आप फटाफट बना के दो, तो मैन्युफैक्चरर बनाकर अपने रिटेलर को देगा, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देगा और फिर डिलीवरी हो जाएगी। तो यानी कि ये गुड्स कहलाया कौन सा सिस्टम, कहलाया पुल सिस्टम। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं दूसरा कार का, आप कार खरीदने के लिए जाते हो, ठीक है, देखते हो कि मुझे ये कार पसंद आ रही है, अब टेस्ट ड्राइव भी ले ली, तो आपने ऑर्डर दे दिया कि हाँ भाई ये वाली कार मुझे चाहिए, तो उन्होंने ऑर्डर बुक कर लिया, ठीक है। अब ऑर्डर बुक करके वो देखते हैं कि हमारे स्टोर में है या नहीं है, नॉर्मली कम होती है, अगर होती है तो तुरंत डिलीवरी हो जाती है, होती है तो तुरंत डिलीवरी हो जाती है, बट अगर नहीं होती है तो वो अपने पीछे एजेंट को बोलते हैं कि ये वाला ऑर्डर आया है आप ये ऑर्डर मैनेज करो, ठीक है। वो एजेंट ऑर्डर बुक करके अपने नेक्स्ट चेन को भी दे देता है,
कि भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देता है जहां से गुड्स बनता है कि भाई ये ऑर्डर आया मुझे फटाफट बना के दो, तो वो इमीडिएटली गुड्स प्रोड्यूस करके सप्लायर को दे देते हैं, फिर सप्लायर हमारे पास मतलब उस चेन के थ्रू गुड्स आता चला जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है कौन सा सिस्टम, पुल सिस्टम। अब ये नहीं है कि पुल सिस्टम में बिल्कुल भी गुड्स नहीं हो, एक तरीके से कुछ होता है कुछ नहीं होता है, बट पुश सिस्टम में सारा गुड्स होता है। पुश सिस्टम में क्या होता है कि फोरकास्ट कर लेते हैं डिमांड और सारा सामान हम अपने पास बना के रख लेते हैं, जब कस्टमर आता है दे देते हैं। ठीक है, बट इसमें एक तरह से जस्ट इन टाइम के हिसाब से कह सकते हो आप कि जैसे ऑर्डर आएगा वैसे हम अपनी चेन को देते चले जाएंगे और फिर वहां से बनकर आकर बिकता चला जाएगा। तो अब यहां बात करते हैं, वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, वो एप्लीकेबिलिटी। तो ध्यान से देखो, अब इस सिस्टम में सबसे पहली बात हम क्या कहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पुल सिस्टम लगाओ, यानी प्रोडक्शन करो किस हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, यानी एडहॉक प्रोडक्शन मत करो। राइट, भी कस्टमर क्या चाहता है वो देखो और उसको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से गुड्स को प्रोड्यूस करो। ठीक है भाई, जैसे ही ऑर्डर आए वैसे ही आप आगे अपनी अपनी चेन को बेचते चले जाओ। ठीक है, ताकि रियल टाइम के हिसाब से प्रोडक्शन हो, ना कि वन मंथ के हिसाब से ऑर्डर आए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रोडक्शन डिमांड के हिसाब से करो, प्लान करो, मतलब ताकि अवॉइड हो सके एक्सेसिव स्टॉक, ऑब्सोल्यूट ना हो। ओके, दूसरा डेवलप, सबसे पहले क्या बनाया हमने, प्लान। सबसे पहले प्लान कर लिया कि प्रोडक्शन डिमांड के हिसाब से करो, एक्सेसिव स्टॉक मत रखो, जैसे ही ऑर्डर आए उस हिसाब से बनाओ अकॉर्डिंग टू कस्टमर टेस्ट। राइट, इसके हिसाब से आप डेवलप करो प्रोडक्ट को, यानी बनाओ। ठीक है, आप जितना गुड्स हमें चाहिए उतना गुड्स वो प्रोडक्शन के लिए तैयार रखेंगे, यानी सप्लायर सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम उतना गुड्स बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो आइडेंटिफाई करेंगे और सप्लायर सिलेक्ट करेंगे, ताकि वो हमें शेड्यूल टाइम पर क्वालिटेटिव मटेरियल दे सके। क्लियर पार्ट, ताकि लीड टाइम हमारा कम से कम हो, खत्म हो जाए। ये कहलाएगा हमारा डेवलप। राइट, तीसरा कहलाएगा फिर हमारा मेक। पहला क्या हो गया, गुड्स प्रोड्यूस्ड एज पर कस्टमर डिमांड, ताकि एक्सेसिव स्टॉक ना रहे। फिर डेवलप का मतलब हो गया उस गुड्स के लिए जो मटेरियल चाहिए वो सप्लायर को ऑर्डर दे दो, ताकि हमारा सप्लायर क्वालिटेटिव मटेरियल सही समय पर शेड्यूल टाइम पर हमें दे दे। राइट, तीसरा हो गया प्रोडक्शन, यानी कि जब हमारे पास मटेरियल आ गया तो हम उसके हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे। राइट, इसके हिसाब से फिर डिलीवरी दे दो, जब गुड्स आपका प्रोड्यूस हो जाए तो कस्टमर को डिलीवर कर दो। डिलीवर कैसे करोगे, लॉजिस्टिक मेथड आपका सही होना चाहिए, यानी डिलीवरी शेड्यूल, डिलीवरी मेथड आपका ठीक होना चाहिए, यानी आपके पास प्रॉम्प्ट डिलीवरी होनी चाहिए, इमीडिएट कस्टमर को डिलीवर कर दो। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आप अपने कन्वेंस रख लो या फिर आप आउटसोर्स कर दो। राइट, तो जो भी डिलीवरी मेथड हो, राइट, वो आपका इफेक्टिव होना चाहिए, यानी ये कह सकते हैं एक्सेलेंट डिलीवरी सिस्टम हो। राइट भाई, एक्सेलेंट डिलीवरी सिस्टम मस्ट बी एग्जिस्ट, क्योंकि वो एंश्योर करेगा आपको कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट आर अनइंटरप्टेड। डिलीवरी सिस्टम मस्ट बी एक्सेलेंट। क्लियर पॉइंट भाई, तो ये आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अप्लाई करवाओगे। अब इवेल्युएट, इवेल्युएट का मतलब फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, सबसे पहले देखो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसका गुड्स जल्दी पहुंच जाएगा उसको। राइट, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, बेटर डिलीवरी मैकेनिज्म होगा। ठीक है, वर्किंग कैपिटल आपकी ब्लॉक कम से कम होगी, कॉस्ट रिडक्शन होगी, वेस्टेज कम से कम होगी, और जो हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है वो इंप्रूव होगा। तो क्या क्या फायदा होगा, सबसे पहली बात तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होगा, हेल्दी रिलेशन विद द सप्लायर बनेगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, वेस्टेज कम से कम होगी, कॉस्ट रिड्यूस होगी, और मैनेजमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हमारा अच्छा होगा, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगी, कॉस्ट में सेविंग होगी। ये हमारे सारे फायदे हैं। ओके, अब क्या पूछ रहा है वो आपसे देखो आगे, नेक्स्ट पूछ रहा है बेसिकली, विल सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी यूज्ड इन द लाइट ऑफ ई कॉमर्स। किसके लाइट में, ई कॉमर्स के लाइट में। ठीक है, ई कॉमर्स क्या होता है, ऑनलाइन, जैसे अमेजन है। राइट, ध्यान से सुनना, अब हमें बताना ई कॉमर्स सिस्टम इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई होगा। ओके, तो बात करें हम अगर ई कॉमर्स की, यानी ऑनलाइन, तो हम ये कह सकते हैं कि ई कॉमर्स सिस्टम मतलब के लिए सप्लाई चेन एक बैकबोन का काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कस्टमर, कस्टमर क्या चाहता है, फास्ट डिलीवरी। ठीक है, अब ऑर्डर हमारा यहां पर इस कंपनी में कहीं से भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वहां पर हमारा फिजिकल स्टोर होना चाहिए। तो हमारे पास एक इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए, मतलब हमारे पास ऑर्डर कहीं से भी आए,
जब स्टोर तो है नहीं तो इसका मतलब हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए ताकि हम ऑर्डर इमीडिएट ले सके कस्टमर से, राइट। तो प्रॉपर एक वेबसाइट बनाएंगे ताकि हम इमीडिएट ऑर्डर ले सके, ठीक है। यानी इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए, राइट। तो जैसे ही ऑर्डर हमारे पास आता है इमीडिएटली हम क्या करेंगे, अगर जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आता है, राइट, वैसे ही हम ऑर्डर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे देंगे, राइट। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑर्डर देने में डिले हो जाए तो प्रोडक्शन डिले होगा, और डिले इन प्रोडक्शन होगा तो डिलीवरी भी डिले होगी। मतलब जो एक डिपार्टमेंट होगा ऑर्डर डिपार्टमेंट, वो वेबसाइट से ऑर्डर रिसीव करेगा, ठीक है। जैसे ही ऑर्डर रिसीव करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फीड कर देगा कंप्यूटर के थ्रू, राइट। अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑर्डर फीड करने में देरी करता है, राइट, तो प्रोडक्शन डिले होगा, डिलीवरी डिले होगी, ओके। इसके बाद प्रोक्यूरमेंट, मतलब उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब ऑर्डर आ जाएगा तो उसको बनाने में कितना मटेरियल चाहिए, राइट, वो मटेरियल सप्लायर को इंटीमेट कर देंगे। सप्लायर को कैसे इंटीमेट करेंगे, ईआरपी के थ्रू, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के थ्रू। तो सप्लायर के पास इमीडिएट इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि भाई मुझे इतना मटेरियल इनको भेजना है, तो क्वालिटेटिव मटेरियल हमारा सही टाइम पर आ जाएगा। जैसे ही क्वालिटेटिव मटेरियल हमारा सही टाइम पर आएगा हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा कस्टमर के हिसाब से होगा, वो कस्टमर क्या चाहते हैं इसके हिसाब से हम लॉजिस्टिक यानी डिलीवरी दे देंगे, राइट। डिलीवरी सिस्टम हमारा वही ठीक होना चाहिए जो अभी हमने बताया, इफेक्टिव डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए ताकि हमारा गुड्स अनइंटरप्टेड ट्रांसफर हो, राइट। आउटसोर्स भी हो सकता है और अपनी व्हीकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। ये कहलाया हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ओके। अब इसको मैं एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूँ आपको जल्दी से। देखो शुरू में हमने क्या कहा था, जल्दी से एक बार फटाफट रिवाइज कर लें। सबसे पहले हमने ये कहा इशू क्या है इस कंपनी में, ठीक है। इशू हमारा ये है, कंपनी का नाम हमारा क्या है, सन इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। सबसे पहले हमने ये कहा सन इलेक्ट्रॉनिक, एक बार फटाफट रिवाइज कर लें। सन इलेक्ट्रॉनिक हमारे लिए क्या बनाती है, मोबाइल फोन, ठीक है। ये कस्टमर से ऑर्डर कैसे लेते हैं, इसके पास डिफरेंट स्टोर्स हैं, राइट। ये स्टोर्स ऑर्डर लेते हैं और एक महीने में एक बार सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट को ऑर्डर भेजते हैं। सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑर्डर देता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑर्डर लेकर बनाता है, फिर वापस सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट को भेजता है और फिर ये स्टोर को भेजते हैं, यहां से कस्टमर के पास डिलीवर होता है। ये इनका प्रेजेंट सिस्टम है। इसमें एक तो लीड पीरियड ज्यादा लग जाता है, एवरेज होल्डिंग पीरियड ज्यादा हो जाता है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है और प्रोडक्शन हमारा एडहॉक बेसिस पर चलता है, ठीक है। तो ये हमारे इसमें लॉसेस हैं। अब इन सबको खत्म करने के लिए हमने क्या कहा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को अप्लाई किया। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है पहले वो समझ ले। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझाना है कि जो भी सिंपल है, देखो मैन्युफैक्चरर है, हम सिंपल भाषा में क्या बात करते हैं, आगे और पीछे देखो, राइट। आगे भी देख के चलते हैं, पीछे भी देख के चलते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरर एक तरह से किसको गुड्स बेचता है, कस्टमर को, ओके। और कहां से लेता है, सप्लायर से। मेन आप मोटा मोटा समझो जरा। अब हो सकता है ऐसा सप्लायर भी पीछे किसी और से लेता हो और कस्टमर भी आगे किसी और को देता हो, यानी एंड यूज कस्टमर कोई और हो, ठीक है। तो ये एक चेन बन जाती है हमारी। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि फार्मर है, ठीक है, फार्मर क्या करता है, गेहूं ग्रो करता है, ये ग्रो करके किसको देता है, मिल मालिकों को देता है, ये फ्लोर बनाते हैं, इसे आटा बनाते हैं और ये फिर होलसेलर को देते हैं, ठीक है। होलसेलर क्या करते हैं, रिटेलर को देते हैं, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देते हैं और ये मैन्युफैक्चरर क्या बनाते हैं, इसे ब्रेड बनाते हैं और फिर ये रिटेलर को देते हैं और रिटेलर कस्टमर को देता है, ओके। तो ये हमारी एक वैल्यू चेन बनती है, ये हमारी सप्लाई चेन बनती है, ठीक है। अब इसमें क्या हमें समझना है, ये मैन्युफैक्चरर से पीछे की जो होती है इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम और जो आगे की होती है उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, क्लियर पार्ट भी। तो जो भी इंफॉर्मेशन इस नेटवर्क में फ्लो होती है उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, वैल्यू चेन। तो इसमें क्या क्या है, एक वेंडर इन्वॉल्व हुआ हु सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर इन्वॉल्व हुआ जो गुड्स बनाता है, रिटेलर जो वेयर हाउस में गुड्स को रखता है और फिर कस्टमर को भेजता है, राइट। तो ये सारे इन्वॉल्व हुए इसके अंदर, इसको बोलते हैं हम वैल्यू, इसको बोलते हैं हम सप्लाई चेन एनालिसिस, क्रिएटिंग द वैल्यू फॉर द स्टेक होल्डर्स, क्लियर पार्ट बेटा। एक मैं एग्जांपल और दे सकता हूं इसके लिए। जैसे मान लो पेट्रोल है, पेट्रोल कहां पर क्रिएट होता है,
हाँ जी अर्थ में, धरती में, ठीक है। तो एक कंपनी जो पेट्रोल को निकालती है, एक्सट्रैक्ट करती है, एक तो ये हो गया, ठीक है। अब ये कंपनी पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करके रिफाइनरी वालों को दे देते हैं, नहीं जैसे इंडियन ऑयल हो गया। अब ये रिफाइनरी वाले इस पेट्रोल को रिफाइन करके क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वाले आगे रिटेलर को देते हैं जो पेट्रोल पंप होते हैं, फिर ये कस्टमर को देते हैं, ओके। तो ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, सप्लाई चेन। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके टेस्ट के हिसाब से सारा डिपेंड करता है। अगर इसका टेस्ट चेंज हो गया तो रिक्वायरमेंट चेंज होती चली जाएगी, रिक्वायरमेंट चेंज होगी तो उस हिसाब से ये प्रोडक्शन करेंगे। अब इसमें दो सिस्टम बताए, एक कहलाया पुश और एक कहलाया पुल। पुश का मतलब होता है अगर हम गुड्स बना के रख लेते हैं, फोरकास्ट कर लेते हैं डिमांड में इतना माल बिकेगा और उस हिसाब से पहले से बना के रख लेते हैं, जो जो कस्टमर आएगा देते चले जाते हैं, पर इसमें स्टॉक बचाने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। पुल सिस्टम कहलाता है जस्ट इन टाइम, कि जैसे ही ऑर्डर आए वैसे ही आप पीछे की चेन को कॉन्टेक्ट करो, कि जैसे ही ऑर्डर आएगा, जैसे अमेजन हो गया, ठीक है, ऑनलाइन परचेजिंग हो गई, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, तो जैसे ही ऑर्डर आता है रिटेलर को देते हैं, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर यहाँ रिफाइनरी को, फिर यहाँ पर आता है। तो वो कहलाता है पुल सिस्टम, यानी अकॉर्डिंग टू जस्ट इन टाइम सिस्टम। क्लियर पार्ट भाई? अब यहाँ पर अगर हम बात करें, वही ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें दो चीज आती है, ये पोर्टर वैल्यू चेन को एनकरेज करता है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। चलिए अब एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी में मैंने क्या बताया कि सबसे पहले हमें डिसाइड करना है, प्लान करना है कि क्या हमें गुड्स बनाना है, यानी सबसे पहले प्लान, फिर डेवलप, फिर मेक और डिलीवरी। ये एप्लीकेशन होगी सप्लाई चेन की इस कंपनी में, यानी हम कौन से सिस्टम से करेंगे, पुल सिस्टम से। सबसे पहले हम प्लान करेंगे कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से हमें गुड्स बनाना है, कस्टमर क्या चाहता है, व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द कस्टमर टेस्ट, न कि एडहॉक बेसिस पर जो करंट सिस्टम में था। और इसके हिसाब से फिर डेवलप करो, इसके हिसाब से फिर आप डेवलप करके, डेवलप करो मतलब प्रोडक्ट को डेवलप करो। इसका मतलब क्या हुआ, डेवलप करने का मतलब कि उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या मटेरियल चाहिए, उस प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन सा मटेरियल चाहिए ये देखो, और उस मटेरियल के लिए कौन सा सप्लायर आपने सिलेक्ट करा है उसको इंफॉर्मेशन दो, ताकि वो क्वालिटेटिव मटेरियल सही टाइम पर मुझे भेज सके। फिर बनाना शुरू करो, यानी गुड्स प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द डिमांड, यानी गुड्स प्रोड्यूस करो, पहले तो प्लान करो, डेवलप का मतलब मटेरियल रिक्वायरमेंट, और फिर गुड्स प्रोड्यूस करो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और फिर जैसे गुड्स प्रोड्यूस हो जाए तो डिलीवर करो एज पर लॉजिस्टिक सिस्टम। इफेक्टिव लॉजिस्टिक सिस्टम होना चाहिए, तभी हमारा गुड्स प्रॉपर टाइम पर डिलीवरी होगा। डिले होगा अगर डिलीवरी तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। लॉजिस्टिक हमारे दो हो सकते हैं, अपना भी या आउटसोर्स, तो जो भी आप सिलेक्ट करो वो इफेक्टिव होना चाहिए। इसके क्या फायदे हैं, इसका फायदा क्या है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होगी, कॉस्ट रिड्यूस होगी हमारी, कस्टमर से अच्छा रिलेशन होगा, सप्लायर से अच्छा रिलेशन होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा होगा। ये इवैल्यूएशन में आ गया। चलिए अब कहता है ई कॉमर्स सिस्टम कैसे फायदेमंद होगा। तो ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो ई कॉमर्स में हम ये कहते हैं सबसे पहले, हाँ जी ई कॉमर्स की अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे हम ई कॉमर्स में, हाँ जी ई कॉमर्स में हम ये कहेंगे सबसे पहले कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हैं, यानी ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, तो सबसे पहले हमें अपने इफेक्टिव मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी कस्टमर ऑर्डर, यानी हमारे पास अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए ताकि हमारा ऑर्डर टाइम से आ जाए। मतलब हर जगह फिजिकल स्टोर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑर्डर हमारा कहीं से भी आ सकता है, तो इफेक्टिव हमारा मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि ऑर्डर कहीं से भी हमारे पास आ जाए। उसके बाद तुरंत हमारे पास प्रोडक्शन प्लानिंग होनी चाहिए, जैसे ही ऑर्डर आता है वैसे ही हम इमीडिएट फीड कर दें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। डिले करोगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फीड करने में तो प्रोडक्शन आपका डिले हो जाएगा, डिलीवरी भी डिले होगी। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास ऑर्डर आ गया, अब वो देखेंगे उसको बनाने में कौन कौन सा मटेरियल कितना कितना चाहिए, फिर सिलेक्टेड सप्लायर को वो भेज देंगे। कैसे भेजेंगे, ईआरपी के थ्रू है यही सारा सिस्टम, बट ये ईआरपी के थ्रू चलेगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम के थ्रू। तो रिक्वायरमेंट वाले क्या करेंगे, सप्लायर को इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि मुझे इतना इतना मटेरियल चाहिए, और इमीडिएटली सप्लायर उतना मटेरियल हमारे को भेज देगा, हम गुड्स बनाकर डिलीवर कर देंगे। डिलीवरी सिस्टम हमारा इफेक्टिव होना चाहिए, राइट भाई? तो ये कहलाया हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्लियर हो गया पार्ट भाई? चलिए अब एक कॉन्सेप्ट और है बेटा, देखिए क्या कहता है, ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम डिफाइंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, राइट। ये है ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम, मतलब ओवरऑल। तो हमारे पास इसमें क्या कहते हैं, 8 सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस है, मतलब ओवरऑल प्रोसेस की बात करें समझ लो। सबसे पहला क्या कहता है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट,
यानी कस्टमर से हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए, राइट, कस्टमर से अच्छी इंटरेक्शन होनी चाहिए, तभी हम ये जान पाएंगे कि कस्टमर का टेस्ट क्या है। समझे, ये ओवरऑल कहना चाहता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या मुझे बातें ध्यान में रखनी है। तो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, यानी कस्टमर से रिलेशन अच्छा हो, यानी कस्टमर से इंटरेक्शन अच्छा हो। जब कस्टमर से बातचीत अच्छी होगी तो एक्सट्रावर्ट होंगे, हम उसकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से जान पाएंगे। आप कस्टमर से बात ही नहीं करोगे तो उसकी बात को समझोगे कैसे, राइट, ये कहना चाह रहे हैं। सप्लायर रिलेशन मैनेजमेंट, अब सारी चीजें हो रही हैं सही, तो सप्लायर से भी बात नहीं कर रहे, यानी सप्लायर से रिलेशन नहीं बना रहे, तो आपको टाइम से गुड्स नहीं देगा, आपको टाइम से डिलीवरी नहीं देगा, आपको क्वालिटेटिव मटेरियल नहीं देगा। आप सप्लायर से भी इंटरेक्ट अच्छा रखो, उसको भी टाइम से आप मतलब टाइम से उसको ऑर्डर देते रहो और पेमेंट भी उसको टाइम से देते रहो, ताकि आपका रिलेशन हेल्दी बना रहे, तभी वो आपको मटेरियल क्वालिटेटिव और शेड्यूल टाइम पर देगा, ये कहना चाहते हैं। कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, इसका मतलब है ठीक है कस्टमर की बात जान ली मैंने, सप्लायर को सामान दे दिया आ गया, अब कस्टमर को बेच भी दिया भाई, उसके बाद फिर वही तू कौन और मैं कौन, नहीं, उसको सर्विस भी अच्छी देनी है, अगर कोई खराब सामान चला गया या वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको बदल के दो आप, ये कहना चाह रहे हैं। डिमांड मैनेजमेंट प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिमाइजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, मतलब डिमांड आप क्रिएट जो कर रहे हो वो आपकी सही ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कस्टमर को बताओ कि भाई हम ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कस्टमर को अवेयर करो, क्लियर, तो डिमांड मैनेजमेंट यानी डिमांड क्रिएट करो। ऑर्डर फुलफिलमेंट इंक्लूड्स एक्टिविटी नेसेसरी फॉर डिफाइंड कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी ऑर्डर को आप फुलफिल करो, इसका मतलब लॉजिस्टिक सिस्टम आपका सही होना चाहिए, इफेक्टिव लॉजिस्टिक सिस्टम होना चाहिए आपका, ये कहना चाहते हैं। ऑर्डर फुलफिलमेंट मतलब लॉजिस्टिक सिस्टम मस्ट बी इफेक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट, राइट, मैन्युफैक्चरिंग फ्लो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन किन स्टेज में मैन्युफैक्चर होगा उसको इफेक्टिव बनाओ, प्रोडक्ट किन स्टेज में बनेगा, यानी सारे प्रोसेस आपके इफेक्टिव होने चाहिए, कोई मशीन आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन, इसका मतलब है मार्केटिंग आपकी सही होनी चाहिए, प्रमोशन आपका सही होना चाहिए, यानी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, कस्टमर को उस प्रोडक्ट की डिटेल प्रॉपरली एक्सप्लेन की जानी चाहिए। रिटर्न मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल, मतलब जो कस्टमर से सामान वापस आए आप उसकी सही व्यवस्था करो, उसको विश्वास दिलाओ कि हम आपको 2 महीने में 3 महीने में वापस कर देंगे, राइट। चलिए क्या कह रहे हैं कस्टमर, तो बेसिकली हमारे पास 3 बातें आई कस्टमर के लिए, पहला रिलेशन यानी इंट्रैक्शन, तभी उसके व्यवहार को जानोगे, टेस्ट को जानोगे, कस्टमर सर्विस यानी उसको अच्छी सर्विस दोगे, उसका वेटिंग टाइम कम से कम रखोगे, राइट, रिटर्न मैनेजमेंट यानी जो भी सामान वापस आएगा आप उसको टाइम से रिप्लेस कर दोगे, ये तो हो गया कस्टमर के लिए, ठीक है। इनपुट सप्लायर से हेल्दी रिलेशन रखोगे, उसको प्रॉपर पेमेंट टाइम से दोगे तभी वो आपको मटेरियल टाइम से देगा, तो 3 बातें कस्टमर की होगी, 1 सप्लायर की, 3 बातें कस्टमर की क्या हो गई, रिलेशन यानी इंटरेक्शन अच्छा रखोगे, सर्विस यानी कस्टमर को सर्विस अच्छी दोगे, ठीक है, उसको मतलब अच्छी सर्विस दोगे, और रिटर्न मैनेजमेंट का मतलब जो वापस आएगा सामान आप उसको टाइम से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। सप्लायर से रिलेशन का मतलब सप्लायर से हेल्दी रिलेशन रखोगे, यानी सप्लायर को आप टाइम से पेमेंट कर दोगे तभी वो क्वालिटेटिव मटेरियल आपको शेड्यूल टाइम पर देगा। डिमांड मैनेजमेंट यानी प्रेडिक्शन ऑफ डिमांड आपकी सही होनी चाहिए। ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब लॉजिस्टिक सिस्टम आपका इफेक्टिव होना चाहिए तभी डिलीवरी टाइम से होगी। मैन्युफैक्चरिंग फ्लो का मतलब गुड्स आपका ठीक से बने, जो प्रोसेस आपका वो इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि पहले प्रोसेस में टाइम ज्यादा लग गया दूसरे प्रोसेस में कम लग रहा है, यानी हर प्रोसेस में जितना टाइम लग रहा है तो प्रोसेस में फ्लो होता रहे, मतलब होल्ड ना रहे, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी मार्केटिंग आपके ठीक हो, प्रॉपर मार्केटिंग होगी तभी आपका गुड सेल हो पाएगा, राइट। चलिए ये हो गया आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्लियर पार्ट भाई। चलिए अब इसमें एक पार्ट आपका रह गया है और लास्ट में, यह है प्लान डो चेक PDCA साइकिल, राइट, सिंपल है, प्लान डू चेक एक्ट, क्या कहते हैं, बिल्कुल सिंपल है। प्लान सबसे पहले प्लान करोगे कि हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लान करोगे हमें क्या करना है और फिर उसको इंप्लीमेंट करोगे, राइट, फिर उसको चेक करोगे कि मैंने जो इंप्लीमेंट किया वो सही है या नहीं, कोई कमी है तो उसको रेक्टिफाई करोगे, सिंपल सी बात है। आप जैसे तैयारी करते हो तो सबसे पहले सोचते हो कि मैं कौन सा सब्जेक्ट तैयार करूं, इमेजिनेशन, राइट, फिर उसके नोट्स अरेंज करते हो, राइट, फिर उसमें आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करते हो, फिर बांधे देखते हो अरे यार ये चीजें रह गई मेरी, तो जो चीजें रह गई फिर वो करेक्टिव करते हो, ये कहलाता है प्लान डू चेक एक्ट। तो सबसे पहले प्लान हुआ, फिर डू हुआ, फिर चेक हुआ, फिर एक्ट हुआ। जैसे और मैं एग्जांपल दूं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है,
तो पहले हम प्लान करते हैं कि मटेरियल इफेक्टिवली परचेज करना है, प्लान हुआ, मटेरियल इफेक्टिवली परचेज करना है, प्लान हुआ, फिर उसके हिसाब से डू, यानी सिलेक्ट करो सप्लायर, कोटेशन इनवाइट करो, जो सप्लायर आपको सबसे कम देगा, राइट भाई, चेक करो मीजर्स इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू प्रोसेस, आपने देखा कि जो सप्लायर सही मटेरियल दे रहा है और सस्ते दे रहा है आप उसको एक्टिवेट कर दो। फिर बाद में देखा अरे भाई डिफरेंस रह गया, हमने सोचा था 2 रुपए के हिसाब से खरीदना, ये 2 रुपए 10 पैसे से मिला, तो फिर आप रेमेडियल एक्शन लोगे ताकि दोबारा ना हो, क्लियर पार्ट, जो कमी रह गई, जो कमी रह गई उसको दूर करोगे कि आपने कोटेशन प्रॉपर इनवाइट नहीं करी थी या जो लीस्ट परचेज वाला था वो रह गया। तो ये कहलाता है प्लान टू चेक एक्ट, पहले इमेजिनेशन, इंप्लीमेंटेशन, एक्टिवेशन एंड देन रेक्टिफिकेशन। ओके क्लियर पार्ट, चलिए ये हो गया हमारा चैप्टर 2 का रिवीजन। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम चैप्टर 3 का रिवीजन। ओके एंजॉय, होपिंग यू एंजॉय ऑल द रिवीजन क्लासेस। ओके चलिए बाय बाय।